नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वे ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लगातार कमेंट एंड नीड को देखते हुए स्पेशल यूपी का स्पेशल जो एग्जाम होने वाला है यूपीपीएससी, यूपी में जो वीडियो का एग्जाम होने वाला है, यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, जितने भी यूपी का स्पेशल एग्जाम होने वाला है उसके रिलेटेड स्पेशल वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें पहले हम लोग वर्ष 2018 से जनवरी से दिसंबर इस मंथ तक जितने भी महत्वपूर्ण हाइलाइटेड करंट अफेयर्स रहे थे चर्चित, उसको पहले देखेंगे। उसके बाद स्टैटिक्स जीके जितने भी करंट अफेयर्स के वर्ष 2018 में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे टोटल इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, और भी कुछ डाउट हो तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के आप लोग डाउट को क्लियर कर सकते हैं। प्रत्येक दिन इस चैनल पर दो वीडियो अपलोड होता है जो कि एग्जाम को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को सेलेक्ट करके बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूपी का स्पेशल हाईलाइटेड करंट अफेयर्स, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे डिटेल्स में पूरा यहाँ जो है जुलाई से दिसंबर तक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, इसलिए कंटिन्यू बने रहिएगा। देखते हैं फर्स्ट करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों। एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो इस चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है जितना जल्द हो सके चैनल सब्सक्राइब करके घंटी को बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि मैं जितने वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि हर किसी को फायदा हो सके। एक बात और दोस्तों, ये जो न्यूज बहुत चर्चित हाईलाइटेड न्यूज है दोस्तों, करंट अफेयर्स का अपडेट कर लीजिए इसको। ये जो है 8 दिसंबर को ये न्यूज अपडेटेड हुआ था, मिस यूनिवर्स, ध्यान दीजिएगा मिस वर्ल्ड 2018, ध्यान दीजिएगा मिस वर्ल्ड 2018 का इस बार जो हुआ है दोस्तों, ये चाइना में आयोजित किया गया था दोस्तों। और ये इसमें जो है मेक्सिको की बनेसा पांस डिलोन ने मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीता है। ध्यान दीजिएगा 2018 मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने ही जीता है, याद कर लीजिएगा, बनेसा पांस डिलोन इनका नाम है। ठीक है, और इनका जो ताज पहनाने के लिए मानुषी छिल्लर जी गए थे। ठीक है, और एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो है पान डिलोन्स ने जो है 118 प्रतियोगियों को पीछे छोड़कर के ये मुकाबला में रनर अप में, फर्स्ट रनर अप में रही थी। और इस वर्ष जो है दोस्तों इंडिया की तरफ से जो है अनुकृति बाह जो है ये 12वें पोजीशन पे जगह इन्होंने टॉप 12th में भी जो है जगह नहीं बना पाए, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए वर्ष 2018 का मिस वर्ल्ड जो है बनेसा पांस डिलोन। ठीक है, नाम याद कर लीजिए, बनेसा पांस डिलोन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के जितने भी परिवर्तित नाम है पहले उसको देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी एग्जाम में आपको दिखने को मिलेगा क्वेश्चन। पहला देखते हैं फैजाबाद, फैजाबाद को है दोस्तों अयोध्या इसका नाम रखा गया है। ठीक है, ये सब जो है कौन कौन उसके फैजाबाद के अंतर्गत आते हैं वो पूरा डिटेल्स में है, देख सकते हैं। मंडल के जिले अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, ये सब जो आते हैं। नेक्स्ट है इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम बदल करके दोस्तों प्रयागराज रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ, इसको जो है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हजरतगंज चौराहा जो कि लखनऊ में है इसको अटल चौक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को अटल पथ रखा गया है, न्यू नाम चेंज होकर के। मुगलसराय रेलवे स्टेशन को दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है। रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन को सोनभद्र रेलवे स्टेशन रखा गया है। उसी तरह मडुआ डीह रेलवे स्टेशन को बनारस रेलवे स्टेशन प्रस्तावित, मतलब है कि बनारस रेलवे स्टेशन को रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों गोरखपुर वायुसेना जो है इसको महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा रखा गया है। उसी तरह से आगरा हवाई अड्डे का पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा रखा गया है। दोस्तों इससे भी आपको क्वेश्चन एक दो को देखने को जरूर मिलेंगे, ये सिर्फ एक टॉपिक से परिवर्तित नाम से। और चलते हैं महत्वपूर्ण और भी 2018 में जितने चर्चित न्यूज रहे थे उसको पहले देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से स्पेशली राम जन्मभूमि अयोध्या में मर्यादा पुरुष भगवान राम श्री राम का विशालकाय प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसकी ऊंचाई लगभग कितना है दोस्तों 221 मीटर।
ठीक है, याद कर लीजिए राउंड फिगर में 221 मीटर उसका जो है लगभग हाइट है। ये प्रस्तावित है कि मतलब श्री राम जी की जो है सबसे विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 19वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये जो किया गया है दोस्तों CMS डिग्री कॉलेज लखनऊ, जो कि 16 से 20 नवंबर 2018 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2018 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों जस्टिस कोविंद माथुर, जो कि 47वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आयोजित हुए दीपोत्सव समारोह के मुख्य अतिथि कौन रहे? ये जो है किम जुंग सुक रहे, जो कि दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला फुटबॉलर थी दोस्तों। ये किम जोंग सुक, जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव समारोह के मुख्य अतिथि रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण, पहले चर्चित जितने हाईलाइट 2018 उत्तर प्रदेश में रहे पहले उसको देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है जुलाई से दिसंबर तक अपडेटेड करंट अफेयर्स, जो कि स्पेशली प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो टोटल देखेंगे। ठीक है, कंटिन्यू आप लोग लास्ट तक बने रहिए। 6 नवंबर 2018 को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इकाना के उद्घाटन मैच में भारत ने किस टीम के विरुद्ध T20 मैच खेला और जीत दर्ज की? यह दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेला था दोस्तों, जिसमें इंडिया ने जीत दर्ज किया था, जीता था। प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा को मिला था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो खेला गया था लखनऊ के स्टेडियम में खेला गया था दोस्तों, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में 26 से 28 अक्टूबर 2018 के मध्य कृषि कुंभ का आयोजन किया गया? ये जो है दोस्तों लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिग्गज कांग्रेसी नेता और उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम क्या है, जिनका 18 अक्टूबर 2018 को 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये जो थे दोस्तों नारायण दत्त तिवारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अक्टूबर 2018 को सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, ड्रिबलिंग के जादूगर व पद्मश्री ओलंपियन मोहम्मद शाहिद की स्मृति में किस जिले में प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा? ये जो है वाराणसी में किया जाएगा आयोजित। पुस्तक यदा ही योगी सत्ता के सिंहासन पर सन्यासी का एक साल के लेखक कौन है? बहुत चर्चित ये न्यूज में रहा था दोस्तों ये पुस्तक, ये है विजय त्रिवेदी, इस पुस्तक के राइटर। 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जनवरी 2019 में कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में वाराणसी में किया जाएगा। मुख्य अतिथि कौन है दोस्तों? प्रविंद जगन्नाथ प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से किसानों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट, 30 सितंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस मंडल को पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त ODF घोषित किया गया? ये सहारनपुर। ठीक है दोस्तों, सहारनपुर मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 सितंबर 2018 को किसने 100 संख्याओं का घनमूल मात्र 83 सेकंड में निकालकर गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में कीर्तिमान बनाया? ये हैं सौरभ कुमार, जो कि बस्ती से हैं उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 सितंबर 2018 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के तहत सामान्य धान का समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? ये 1750 क्विंटल प्रति क्विंटल है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्त,
इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यूपी में जितने भी एग्जाम होने वाले सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर का, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, स्किप करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। उस भारतीय तेज गेंदबाज का क्या नाम है जिन्होंने 4 सितंबर 2018 को अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में 13 वर्ष पश्चात क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, ये है रुद्र प्रताप सिंह, जो कि रायबरेली के रहने वाले हैं। 2 सितंबर 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वाराणसी स्थित खिड़किया घाट पर किस क्रूज का उद्घाटन किया गया, ये अलकनंदा क्रूज का उद्घाटन किया गया। 31 अगस्त 2018 को भारत भारती सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया, डॉक्टर रमेश चंद्र को चुना गया, जो कि इसमें जो है 5 लाख रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 14 अगस्त 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस नगर को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, यह है दोस्तों फाजिल नगर, जो कि कुशीनगर में पड़ता है। 9 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपस्थिति पद राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए हुए चुनाव में किसने जीत दर्ज की, ये जो है हरिवंश नारायण सिंह, जो कि बलिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अगस्त 2018 को यूपी भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यूपी रेरा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया, यह है राजीव कुमार, जो कि यूपी के पूर्व सचिव हैं, पूर्व मुख्य सचिव हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। 3 अगस्त 2018 को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, यह बिमल बाथम को 1 वर्ष के लिए चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 3 अगस्त 2018 को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, विशेष गुप्ता को। प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। जुलाई 2018 में संपन्न 1 वर्ष 3 माह में सभी 75 जिलों का दौरा करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, योगी आदित्यनाथ जी। हाल ही में 16वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश से पहली मुस्लिम सांसद कौन बनी है, तबूशम हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने 23 जुलाई 2018 को प्रदेश के किस जिले में क्षत्रिय रेल प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना की है, ये गाजीपुर यूपी में। उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 जुलाई 2018 को यश भारती व पद्म सम्मान पाने वालों के लिए मासिक पेंशन 50,000 रुपये से घटाकर कितना कर दिया है, ये जो है 25,000 रुपये कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 जुलाई 2018 को प्रदेश के माटी और शिल्प कला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार माटी कला बोर्ड का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है, सत्येंद्र पचौरी, जो कि खादी ग्रामोद्योग के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 जुलाई 2018 को उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण 3% से कितना किया है, ये 4% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूजल जन जागरूकता के उद्देश्य से प्रदेश भर में भूजल सप्ताह का आयोजन कब किया गया, ये जो है दोस्तों 16 से 22 जुलाई 2018 को किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कब से पॉलीथीन पर प्रतिबंध आदेश जारी किया है, ये जो है ये किया है 15 जुलाई 2018 से। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन किन नगरों से गुजरेगा, ये जो है दोस्तों लखनऊ से बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा, इसका लंबाई है लगभग 341 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उस भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या है जिन्होंने 13 जुलाई 2018 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, ये है मोहम्मद कैफ, जो कि प्रयागराज के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2018 में रायबरेली
जिले का कौन सा गांव भारत का पहला स्मार्ट गांव बन गया है? ये है तौधकपुर गांव। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून 2018 को किस जिले में संत कबीर अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का शिलान्यास किया है? मगहर संत कबीर नगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 जून 2018 को विधायक निधि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2.4 करोड़ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 जून 2018 को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अनूप चंद्र पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतेंदु नाट्य अकादमी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रवि शंकर खरे को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, जून 2018 में ई चालान लागू करने वाला प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है? गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी फरवरी 2019 में होने वाले कुंभ 2019 की टैगलाइन का क्या नाम है? चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो, ये टैगलाइन बहुत चर्चित टैगलाइन है। जनवरी फरवरी 2019 में होने वाले कुंभ 2019 के लोगों की थीम क्या है? सर्व सीधी प्रदह कुंभ, ये थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अप्रैल 2018 को उत्तर प्रदेश का 17वां नगर कौन सा बना है? शाहजहांपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, पूरा जो हाईलाइटेड वर्ष 2018 में रहे हैं। 18 अप्रैल 2018 को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ब्रिजलाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने संयुक्त रूप से मिर्जापुर के किस गांव में प्रदेश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया? ये दादर कला गांव में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 6 फरवरी 2018 को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तनवीर हैदर उस्मानी। नेक्स्ट पॉइंट, 23 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? ओम प्रकाश सिंह को। दोस्तों हम लोग जो है वन लीनियर पूरा देख चुके, जितने महत्वपूर्ण 2018 में चर्चित उत्तर प्रदेश के लिए करंट अफेयर्स थे। अब जो है दोस्तों, जुलाई से दिसंबर तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, स्पेशली यूपीपीएससी यूपी स्पेशल एग्जाम के लिए और भी अदर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इससे इसके बाद जो हम लोग वो सब पूरा डिस्कस करने वाले हैं जुलाई से दिसंबर तक। इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू बने रहिएगा, स्किप करने कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जुलाई का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसको एनजीटी बोला जाता है का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आदर्श गोयल जी को जो है एनजीटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है, ऐसा करने वाला यह राज्य यह जो है कौन सा राज्य बन गया है? ये 19वां राज्य बन गया है प्लास्टिक पे प्रतिबंध करने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? ये जो है एल नरसिम्हा जी को जो है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों को डॉप टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? ये जो है सरकारी कर्मचारी को डॉप टेस्ट पंजाब राज्य की सरकार ने जो है वहां पे सरकारी कर्मचारी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए डोपिंग टेस्ट जो है अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी स्कूल में खुशी पाठ्यक्रम जिसको हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के रूप में जाना जाता है, खुशी पाठ्यक्रम लॉन्च किया है? ये जो है
इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो दिल्ली राज्य की सरकार ने जो है जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें खुशी पाठ्यक्रम हैप्पीनेस पाठ्यक्रम जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने जो है क्वेश्चन है दोस्त, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्कूली बच्चों हेतु अन्नपूर्णा दुग्ध योजना आरंभ किया है। इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में जो है वहां के जो सीएम जो है कौन है, वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे ने जो है 2 जुलाई 2018 को सभी सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अन्नपूर्णा दुग्ध योजना परियोजना को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जोस एलाडियो। जोस एलाडियो को जो है एक जो है जो उरुग्वे कंट्री है, उरुग्वे के मेजर जनरल जोस एलाडियो ने 30 जुलाई 2018 को भारत पाकिस्तान में संयुक्त सैन्य राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने 12वीं पास लड़कियों को 10,000 रूपये स्कॉलरशिप देने की घोषणा किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य की सरकार ने जो है सीएम नीतीश कुमार के तरफ से 12वीं पास लड़कियों को 10,000 रूपये स्कॉलरशिप देने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू किया है। आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं दोस्त, ये मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने जो है आयुष्मान भारत योजना लॉन्च किया। बहुत चर्चित एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने जो है लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीए की समस्या से निपटने हेतु हाल ही में किस योजना की घोषणा किया गया है। एनपीए की समस्या से निपटने हेतु सशक्त योजना का घोषणा किया गया, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर की बात करते हैं तो शोएब मलिक जो कि पाकिस्तान के हैं, ये जो है T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पांचवें भारतीय कौन है। राहुल द्रविड़ है पांचवें भारतीय है ICC के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मुंबई में विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर संपदा की सूची में अंकित किया गया है। बताइए भारत का कौन सा विश्व धरोहर को सूची में है। ये जो है 37th नंबर का जो है ये पोजीशन है इनका विश्व जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में 37th नंबर का यह स्थान इसको जगह मिला है मुंबई के जो विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इंसेबल्स को। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ने सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट के में न्यायिक आयुक्त के रूप में नियुक्त हुआ है। दीदार सिंह गिल जी को जो है भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनको सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक आयुक्त के रूप में इनको चुना गया है। दोस्तों ये जो है जुलाई का फर्स्ट वीक का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था हम लोग देख चुके हैं, अब जुलाई का सेकंड वीक का पूरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, जुलाई का फर्स्ट वीक का सेकंड वीक का क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में कौन ट्रैक इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बने हैं। हिमा दास जो है ट्रैक इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली एथलीट बने हैं, याद कर लीजिए, बहुत हाईलाइटेड एंड चर्चित न्यूज है। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। किस देश की सरकार ने हाल ही में ड्रग्स संबंधी अपराधों हेतु मृत्यु दंड को मंजूरी प्रदान किया है। ये श्रीलंका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका कंट्री जो है ड्रग्स संबंधी अगर कोई भी अपराध पकड़ाता है उसको मृत्यु दंड देने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कौन व्यक्ति हाल ही में विश्व मामलों की भारतीय परिषद जिसको ICWA से जाना जाता है के प्रबंध निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। TCA राघवन को जो है
भारतीय परिषद विश्व मामलों की भारतीय परिषद के प्रबंधन निदेशक के रूप में टीसीए राघवन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में भारत की पहली इंटरनेट टेलीफोनी सेवा आरंभ किया है? बीएसएनएल कंपनी जो है भारत की जो है पहली इंटरनेट टेलीफोनी सेवा आरंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान मिला है? दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत का छठा पोजीशन मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का कौन सा शेयर धारक बना है? ये 69th नंबर का जो है शेयर धारक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है? गुजरात राज्य की सरकार ने यहूदियों लोगों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कितना पोजीशन रहा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 57 स्थान रहा, ठीक है। ये जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है भारत का 57th स्थान रहा। और भी बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल भारत 60वें नंबर पर था। अगर इससे पिछले ईयर की पूछा जाए तो वहाँ 60 नंबर पे इंडिया का पोजीशन रहा था, ठीक है। हर साल जो है इंडिया का पोजीशन इनोवेशन इंडेक्स में सुधर रहा था। और बात करते हैं 2015 की, तो दोस्तों 2015 में भारत का स्थान 81 स्थान पर रहा था, ठीक है। और जो इस बार जो है 57th नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर वर्ष मनाया जाता है? दोस्तों जिस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जानते हैं आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट करने से खुद को याद होता है एंड लॉन्ग समय के लिए आप लोग को याद रहेगा, क्योंकि खुद आप लिखते हैं कमेंट में तो सोच करके आप लोग लिखते हैं, इसलिए सोचने और लिखने से जो चीज याद होता है वो लॉन्ग समय के लिए ड्यूरेशन तक याद होता है। इसलिए आप लोग जिस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं आप लोग कमेंट में जरूर उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है दोस्त 11 जुलाई को जो है हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस मनाया जाता है। इसे मनाए जाने का उद्देश्य है लोगों के बीच जनसंख्या से जुड़े तमाम मुद्दों पर जागरूकता फैलाना, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में थर्मोकोल से बने बर्तनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों थर्मोकोल से जो बर्तन बनता है उस बर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है दोस्त हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने जो है थर्मोकोल से बने बर्तन पर जो है वहां पे रोक लगा दिया है, ठीक है। ये 7 जुलाई 2018 को ये जो है रोक लगा दिया है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मोबाइल निर्माता कंपनी ने हाल ही में यूपी में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री आरंभ किया है? ये जो है सैमसंग मोबाइल कंपनी जो है यूपी के नोएडा में जो है विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री स्टार्ट किया है, ठीक है। कौन सा कंपनी दोस्त? सैमसंग मोबाइल कंपनी, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जिम्नास्टिक विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? जिम्नास्टिक में जो है विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय का नाम दोस्तों दीपा कर्मकार है, ठीक है। दीपा कर्मकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लो। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे एक और बन सकता है, दीपा कर्मकार किस गेम खेलते हैं? वो जो है दीपा कर्मकार जिम्नास्टिक्स के प्लेयर हैं। और डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्वर्ण पदक जो है विश्व कप में कौन सा पदक जीते हैं? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और जो हम लोग पूरा जो है जुलाई का सेकंड वीक तक टोटल क्वेश्चन देख चुके हैं, अब जुलाई का थर्ड वीक का क्वेश्चन जितना है पूरा देखने वाले हैं। जुलाई का थर्ड वीक का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वनडे क्रिकेट की बात हो रहा है, वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी की बात हो रहा है। पहले भारतीय खिलाड़ी हो जाएंगे दोस्त फखर जमान। फखर जमान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फखर जमान जो है पाकिस्तान के
प्लेयर हैं, ये जो है वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गोपाल दास नीरज का निधन हो गया। गोपाल दास नीरज के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि वो किस चीज से फेमस थे, वो एक गीतकार थे। ठीक है, गोपाल दास नीरज जी का निधन हो गया, वो एक गीतकार थे, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनएमसीजी ने हाल ही में 5 गंगा बेसिन राज्यों में गंगा वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है। ध्यान दीजिएगा, गंगा वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है, जिसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा राज्य शामिल नहीं है क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य इसमें शामिल नहीं है। एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्त, इसमें जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये टोटल 5 राज्य जो है गंगा वृक्षारोपण अभियान में शामिल है। ठीक है, यह आयोजन दोस्त 9 जुलाई से 15 जुलाई तक ये आयोजन हुआ था। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है, क्वेश्चन के लिए राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के 68वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के जो है 68वें सदस्य म्यांमार देश है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में फोर्ब्स ने सबसे अधिक कमाई करने वाला 100 कलाकार की सूची जारी किया है, जिसमें कितने भारतीयों को जगह मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें टोटल 2 भारतीय को जगह मिला है। ठीक है, जिसमें बता देना चाहता हूं दोस्त कि इसमें 100 हस्तियों की सूची में, इस सूची में बॉलीवुड के 2 अभिनेताओं जिसमें अक्षय कुमार और सलमान खान शामिल हैं। ठीक है, अक्षय कुमार एंड सलमान खान। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राज्य में पौधा गिरी अभियान लॉन्च किया है। दोस्तों पौधा गिरी अभियान की बात हो रहा है, ये हरियाणा राज्य इसका राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। हरियाणा राज्य में पौधा गिरी अभियान कहाँ लॉन्च किया गया है दोस्त, ये हरियाणा राज्य में पौधा गिरी अभियान लॉन्च किया गया है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति ने हाल ही में राज्यसभा हेतु 4 सदस्य को मनोनीत किया गया है, जिसमें कौन शामिल नहीं है। अमिताभ बच्चन जी जो है इनमें शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर अमिताभ बच्चन हो जाएगा। कौन सा देश हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता बना है। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता जो है फ्रांस देश ने बना है। ठीक है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस देश जो है फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता बना है। इससे रिलेटेड स्पेशली एक वीडियो, स्पेशल वीडियो अपलोड कर दिया हूं, वहां से आप लोग चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पे जो है इसके प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कौन सा देश हाल ही में विश्व सीमा शुल्क संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बना है। एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष भारत बना है दोस्त, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्त अरुणा साई राम को। अरुणा साई राम जी को जो है संगीत कला निधि पुरस्कार हेतु सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है जुलाई के 3rd वीक तक क्वेश्चन पूरा देख चुके हैं, अब जुलाई का 4th वीक का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, हाल ही में कौन रूस ओपन खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। रूस ओपन की बात हो रहा है दोस्त, सौरभ शर्मा जो कि इंडियन प्लेयर है। ठीक है, रूस ओपन खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं सौरभ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है, याद कर लो। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई
28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एंड 29 जुलाई की बात करते हो तो इंटरनेशनल टाइगर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो भारतीयों को रमन मैगेश के पुरस्कार हेतु चुना गया है? भरत बाटवानी एंड सोनम बांगचुक। इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत बाटवानी एंड सोनम बांगचुक को जो है रमन मैगेश के पुरस्कार हेतु चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, याद कर लो, भरत बाटवानी एंड सोनम बांगचुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ग्रीन महानदी मिशन आरंभ किया है? दोस्तों ग्रीन महानदी मिशन की बात करते हैं, ओडिशा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों की आय में बढ़ोतरी हेतु सोलर योजना लॉन्च किया है? सोलर योजना जो है दिल्ली राज्य की सरकार ने किसान की आय बढ़ोतरी हेतु लॉन्च किया है, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 26 जुलाई 2018 को कारगिल विजय दिवस की कौन सी सालगिरह देश भर में मनाई गई? ये सालगिरह 19वीं सालगिरह था दोस्तों, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर हाल ही में भारत का पहला पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित होटल लॉन्च हुआ है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, नेक्स्ट एग्जाम में आने की बहुत पॉसिबिलिटी है, याद कर लो। तिरुवनंतपुरम केरला का जो एक होटल है दोस्त, यहाँ पे जो है भारत का पहला पूर्ण रूप से महिलाओं इस होटल में पूरा जो है कार्यरत महिलाओं को देखरेख में होटल है, बहुत चर्चित होटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन डीजल अनुदान कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? डीजल अनुदान कार्यक्रम जो है ऑनलाइन बिहार राज्य की सरकार ने स्टार्ट किया है, याद कर लो इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया छात्रवृत्ति योजना हेतु खेल प्राधिकरण ने हाल ही में कुल कितने युवाओं को चयन किया है? खेलो इंडिया छात्रवृत्ति हेतु जो है 734, याद कर लो, 734 युवाओं का चयन किया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में जारी अफेयर इंडेक्स में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? अफेयर इंडेक्स में जो है केरल राज्य को फर्स्ट स्थान मिला है, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अफेयर इंडेक्स में जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में जो है केरला राज्य को फर्स्ट स्थान मिला है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेरोजगारी भत्ता को समाप्त कर दिया है? बेरोजगारी भत्ता उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना समाप्त कर दिया है। दोस्तों बेरोजगारी भत्ता योजना का स्टार्ट हुआ था, उस योजना को समाप्त कर दिया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। दोस्तों जो है हम लोग जुलाई तक जितना क्वेश्चन था महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर लिए हैं, अब चलते अगस्त के फर्स्ट वीक का क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में एम करुणानिधि का निधन हो गया, वो क्या थे? वो एक पूर्व मुख्यमंत्री थे। एम करुणानिधि के बारे में बता दें, ये तमिलनाडु का मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका निधन हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर दुनिया का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है दोस्तों दुनिया का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीन न्यायाधीशों के सुप्रीम कोर्टों ने न्यायाधीश की पद की शपथ ग्रहण की, जिसमें कौन शामिल नहीं है? इनमें दीपक मिश्रा जी शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में हाइपरसोनिक विमान का सफल परीक्षण किया है? चाइना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पूरा हम लोग 6 मंथ का क्वेश्चन देख रहे हैं, इसलिए वीडियो बहुत कुछ लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग टू द पॉइंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि ज्यादा डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेप्सिको के नए सीईओ के रूप में चुना गया है? पेप्सिको के नए सीईओ रोमन लगुटा है, ठीक है, रोमन लगुटा जो है पेप्सिको के नए सीईओ हैं। सीईओ से रिगार्डिंग में जो है अब स्पेशली वीडियो जो है चैनल पे अपलोड कर दिया हूं, आप लोग वहां पे जाकर के देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट से। किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है?
करोलिना मारिन ने जो है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मुगलसराय जंक्शन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? मुगलसराय जंक्शन का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है। दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है। आप मुगलसराय वहां पे अगर मुगलसराय आप लोग जाइएगा तो वहां पे मुगलसराय दिखा हुआ स्टेशन में नहीं दिखेगा, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इलाहाबाद जंक्शन का भी जो है इलाहाबाद स्टेशन का भी नाम बदल करके वहां पे प्रयागराज उस स्टेशन का नाम बदल करके रख दिया गया है। यूपी सरकार के योगी सरकार ने इस दोनों स्टेशन का नाम बदल करके चेंज कर दिया है। ठीक है, इलाहाबाद को रखा गया है प्रयागराज, ध्यान दीजिएगा, एंड मुगलसराय को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हाल ही में अमेरिका के STA-1 रैंकिंग हासिल करने वाला कौन सा एशियाई खेल बन गया है? भारत जो है हाल ही में अमेरिका की एसटीए रैंकिंग हासिल करने वाला ये जो है तीसरा स्थान बन गया है। तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य में हाथियों के व्यवहारिक उपयोग पर रोक लगा दिया है? हाथियों के व्यवहारिक उपयोग पर रोक लगा दिया है उत्तराखंड के राज्य ने। ठीक है, उत्तराखंड राज्य ने हाथियों के व्यापारिक उपयोग पर रोक लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापारिक संबंध पर रोक लगाने का घोषणा किया है? सऊदी अरब ने हाल ही में कनाडा देश के साथ व्यापारिक संबंध पर रोक लगाने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में भारतीय मूल के लोगों में अंग प्रत्यारोपण की समस्या से निपटने हेतु एक नया कानून बनाया है? ये ब्रिटेन देश ने जो है बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो दोस्त, किस देश ने हाल ही में पृथ्वी अवलोकन हेतु हाई रिजोल्यूशन उपग्रह लॉन्च किया है? ये जो है चाइना कंट्री ने जो है पृथ्वी अवलोकन हेतु हाई रिजोल्यूशन उपग्रह को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो पूरा पैकेज जो है 6 मंथ का दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत एग्जाम में हेल्प होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू बन करके देखिए। आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा इस वीडियो को तो आप लोग को दिमाग में क्वेश्चन को देखते हैं उसका आंसर आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखने की कोशिश कीजिए लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी $1 trillion का आंकड़ा छूने वाला दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? $1 trillion की आंकड़ा छूने वाला पहली कंपनी की बात करते हैं दोस्त, एप्पल कंपनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस व्यक्ति ने हाल ही में जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति चुना गया है? इमर्सन मनागागवा जी जो है जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य हाल ही में बायोफ्यूल नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? बायोफ्यूल नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सतत शहरी विकास में सहयोग हेतु समझौता हस्ताक्षर किया है? जर्मनी देश के साथ जो है भारत ने शहरी विकास में सहयोग हेतु समझौता हस्ताक्षर किया है जर्मनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2018 के राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के लिए चुना गया है? गोपाल कृष्ण गांधी को राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में समाज कल्याण योजना में आधार अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? ये जो है दिल्ली राज्य की सरकार ने समाज कल्याण का जितना भी योजना है उसमें आधार कार्ड को अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है दिल्ली राज्य की सरकार ने। दोस्तों अगस्त का फर्स्ट वीक का क्वेश्चन हम लोग अगस्त तक पूरा डिस्कस कर चुके हैं, अब चलते हैं अगस्त का सेकंड वीक का क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू बने रहिए, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक किसे भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन माना गया है? सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन की बात करें दोस्त, जोधपुर रेलवे स्टेशन को सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किसे रहने के लिहाज से भारत का सबसे बेहतर शहर माना गया है? रहने के लिहाज से भारत का सबसे बेहतर शहर पुणे शहर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन भारत का सबसे अमीर महिला बनी है? अमीर महिला की बात करें दोस्तों तो अस्मिता कृष्णा गोदरेज जो है
भारत की सबसे अमीर महिला के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है? आशीष कुमार भूटानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व तो बलराम दास टंडन जी का निधन हो गया, वो क्या थे? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, वो एक पूर्व राज्यपाल थे, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का, याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे हर वर्ष मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे की बात करते हैं दोस्त, ये 12 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में रेखा शर्मा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हर वर्ष मनाया जाता है 10 अगस्त को। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हर वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति बने हैं? हरिवंश नारायण जी जो है राज्यसभा के उपसभापति के रूप में इनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगस्त क्रांति हर वर्ष मनाया जाता है 9 अगस्त को, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 अगस्त को हर वर्ष अगस्त क्रांति डे जो है मनाया जाता है। दोस्तों अगस्त का सेकंड वीक तक टोटल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब चलते हैं अगस्त के थर्ड वीक की क्वेश्चन की ओर। अगस्त के थर्ड वीक के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बनी है? महिला शूटर की बात करते हैं तो ये रानी सरनोबत, डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे बन सकता है कि जो रानी सरनोबत कौन सी गेम खेलती है, ये शूटिंग का गेम खेलते हैं, ठीक है। ये महिला शूटर में जो है एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बने हैं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में धार्मिक ग्रंथों को बेअदबी पर उम्र कैद की मंजूरी दी है? ये जो है पंजाब राज्य की सरकार ने ये घोषणा किया है कि धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी अगर कोई करता है तो उसपे उम्र कैद की मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को अमेरिका के लीजन ऑफ मेरिट, ध्यान दीजिएगा, लीजन ऑफ मेरिट, अमेरिका के लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दलवीर सिंह सुहाग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों याद कर लो, दलवीर सिंह सुहाग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में 7 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है, जिसमें किसे बिहार का राज्यपाल चुना गया है? बिहार का राज्यपाल की बात करते हैं दोस्तों, लालजी टंडन, बिहार के राज्यपाल जो है लालजी टंडन जी जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई ओलंपिक परिषद में हाल ही में किस खेल को मान्यता प्रदान की है? एशियाई ओलंपिक परिषद में हाल ही में किस खेल को मान्यता प्रदान की है? ये खो खो खेल को मान्यता प्रदान किया, बहुत इंपॉर्टेंट, चर्चित न्यूज में रहा था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में चक्रवात चेतावनी केंद्र स्थापित किया जाएगा? याद कर लो, बहुत चर्चित क्वेश्चन है ये, तिरुवनंतपुरम केरला में जो है चक्रवात चेतावनी के लिए वहां पे एक केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर का नाम बदल करके अटल नगर रखा गया है? अटल नगर जो है नया रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, उस शहर का नाम बदल करके अटल नगर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सुषमा स्वराज ने हाल ही में किस देश में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? सुषमा स्वराज जी जो है मॉरिशस देश में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन टेस्ट डेब्यू में 5 कैच लेने वाले पहले एशियाई विकेट कीपर बने हैं? टेस्ट डेब्यू में 5 कैच लेने वाले पहले एशियाई क्रिकेट विकेट कीपर की बात हो रहा है, ऋषभ पंत इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऋषभ पंत जी जो है टेस्ट डेब्यू में 5 कैच लेने वाले पहले क्रिकेट विकेट कीपर बने हैं, पहले विकेट कीपर बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने हाल ही में नॉर्वे की प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार जीता है? अदील हुसैन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अदील हुसैन ने नॉर्वे की प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार के रूप में इनको नियुक्ति हुआ है, इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
कौन एशियाई गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है? विनेश फोगाट जो है महिला पहलवान जो है, इनको एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ध्यान दीजिएगा पहली भारतीय महिला की बात करते हैं तो विनेश फोगाट, कंफ्यूज नहीं होगा, विनेश फोगाट महिला है, इन्होंने भारतीय महिला में पहली बार जो है एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवीय दिवस हर वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बने हैं? 22वें प्रधानमंत्री जो है इमरान खान पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बने हैं। पोजीशन एंड नाम याद कर लीजिएगा, बहुत रिपीट होता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियन गेम में कौन से संस्करण का इंडोनेशिया में शुभारंभ हुआ? एशियन गेम का 18वां संस्करण इंडोनेशिया में स्टार्टिंग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में चुना गया है? भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में रमेश पवार को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस चिड़िया घर में हाल ही में भारत के पहले पेंगुइन का जन्म हुआ है? चिड़िया घर का नाम पूछ रहा है दोस्त, जिसमें भारत के पहला पेंगुइन का जन्म हुआ है, ये जो है भाई खला चिड़िया घर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, ICCR ने हाल ही में किनके नाम पर 20 से अधिक सांस्कृतिक केंद्रों का नाम बदलने की घोषणा किया, सॉरी नाम रखने का घोषणा किया है? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे। ठीक है, ICCR ने हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर 20 से अधिक सांस्कृतिक केंद्रों का नाम रखने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अजीत वाडेकर का निधन हो गया, वो क्या थे? अजीत वाडेकर एक पूर्व क्रिकेटर थे, बहुत चर्चित न्यूज में ये रहा था। ठीक है, अजीत वाडेकर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, अजीत वाडेकर एक पूर्व क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार रहने योग्य सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किसे प्रथम स्थान मिला है? दोस्तों ये जो मिला है वियना ऑस्ट्रिया में जो पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में हाल ही में वन्य जीव राष्ट्र संरक्षण हेतु भारत के पहले अनुवांशिक बैंक का उद्घाटन किया गया है? ये जो है भारत के पहले अनुवांशिक बैंक हैदराबाद में हुआ है, ये जो है वन्य जीव को संरक्षण करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया, वह कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे? भारत के प्रधानमंत्री जो है 3 बार रह चुके थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। दोस्तों ये जो है अगस्त का जो है हम लोग थर्ड वीक तक टोटल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगस्त के फोर्थ वीक का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगस्त के फोर्थ वीक का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने 3 नए जिलों के निर्माण हेतु विधेयक पारित किया है, जिसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है? इलामोड़ जिला जो है शामिल नहीं है, बाकी ये सब जिला शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 4था बिम्स्टेक सम्मेलन आरंभ किया गया? बहुत चर्चित न्यूज में रहा एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिम्स्टेक सम्मेलन जो हुआ नेपाल में हुआ है। ठीक है, याद ध्यान देने वाली बात है कि किस नंबर का 4था बिम्स्टेक सम्मेलन नेपाल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे हर वर्ष मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस स्थान पर शांति मिशन 2018 संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित जो किया गया दोस्त शांति मिशन 2018 के लिए, ये रूस में किया गया है, चेवर कुल जगह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको DRDO के नाम से जाना जाता है, के अध्यक्ष के रूप में बने हैं? DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में जो बने हैं दोस्त जी सतीश रेड्डी को DRDO के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको बनाया गया है, नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, DRDO के नए अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी बने हैं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? झुल्लन गोस्वामी इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, इनको जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 का आयोजन किया गया,
इस बार कौन सा देश इसका सहयोगी देश था? ये जापान था, ठीक है। जापान देश जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 का आयोजन किया गया, इस बार जापान देश इसका सहयोगी देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन को ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है, स्कॉट मॉरिसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कुलदीप नैयर का निधन हो गया, बहुत चर्चित न्यूज में रहे थे ये भी। कुलदीप नैयर जो है पत्रकार थे, इनका निधन हो गया है, याद कर लीजिएगा। कुलदीप नैयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसका नाम कौसर का अनावरण किया है? ये जो है ईरान देश ने लड़ाकू विमान कौसर का अनावरण किया है। दोस्तों हम लोग जो है अगस्त तक जो है पूरा क्वेश्चन, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू था, पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं सितंबर का फर्स्ट वीक का क्वेश्चन, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू बने रहिए ताकि आप लोग को करंट अफेयर्स में किसी तरह की परेशानी ना हो। और अगर इससे और भी इससे पहले जो है जनवरी से जून तक के लिए स्पेशल वीडियो चाहिए तो चैनल पे अवेलेबल है। अगर अपडेटेड चाहिए तो अपडेटेड में आप लोग कमेंट कीजिए, हम उससे रिलेटेड अपडेटेड वीडियो स्पेशल वीडियो बना करके आप लोग के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ज्यादा कमेंट आएगा तो आप लोग के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ गगन शक्ति मिशन हेतु समझौता किया है? गगन शक्ति की बात हो रहा है दोस्त, गगनयान। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ गगनयान मिशन हेतु समझौता किया है? ये जो है फ्रांस देश के साथ जो है गगनयान मिशन समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर के डीजीपी के रूप में नियुक्त किए गए हैं? जम्मू कश्मीर के डीजीपी की बात हो रहा है दिलबाग सिंह, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार चयन समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया है? बिमल जलान को जो है केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कुल कितने IIM स्थापित करने का मंजूरी दिया है? दोस्तों टोटल 7 IIM स्थापित करने का केंद्र सरकार ने मंजूरी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति आरिफ अलवी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति है, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया, ये किसकी स्मृति के उपलक्ष में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्मृति याद में जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी को लेकर सुरेश प्रभु ने हाल ही में एक नए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? कॉफी कनेक्ट। कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्वेश्चन बहुत रिपीट हो सकता है। कॉफी कनेक्ट ऑप्शन में दे देगा, कॉफी डिजिटल, कॉफी कॉफी ऑनलाइन, कॉफी ग्रोथ, इस तरह से आपको ऑप्शन घुमा सकता है, याद कर लो, कॉफी कनेक्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में 5 सितंबर 2018 को किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? 5 सितंबर 2018 को रुद्र प्रताप सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी RBI के निर्देशानुसार कितने से अधिक ब्रांच वाले बैंकों के लिए ओम्बुड्समैन नियुक्त करना अनिवार्य है? स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 से अधिक ब्रांच वाले बैंकों के लिए ओम्बुड्समैन नियुक्त करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 18वें एशियाई खेल का समापन हुआ जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? 18वें एशियाई खेल में भारत ने 69 पदक जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एलिस्टर कुक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है, वह किस देश से संबंधित है? एलिस्टर कुक इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हालिया वोडाफोन ने किस टेलीकॉम कंपनी के साथ विलय करके भारत की सबसे बड़ी दूर संचार कंपनी बनाई है? ये आइडिया के साथ जो है टाई अप किया है, वोडाफोन ने आइडिया कंपनी के साथ टाई अप किया है। हाल ही में किस शहर में अलकनंदा क्रूज सेवा आरंभ की गई है? वाराणसी में अलकनंदा क्रूज सेवा आरंभ किया गया है। वाराणसी शहर में अलकनंदा क्रूज सेवा का स्टार्टिंग हुआ है। दोस्तों हम लोग जो है सितंबर का फर्स्ट वीक तक टोटल क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, अब सितंबर का सेकंड वीक का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग कंटिन्यू बने रहे और लास्ट में वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सरदार सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा किया है, वह किस खेल से संबंधित है? सरदार सिंह जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिए, वो हॉकी क्रिकेट टीम्स के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में आधिकारिक उपयोग हेतु इलेक्ट्रिक कारों की सेवा शुरू की है? ये झारखंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली झारखंड पीएससी वालों के लिए, जो झारखंड स्टेट लेवल का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य की सरकार ने जो है आधिकारिक उपयोग हेतु इलेक्ट्रिक कार की सेवा शुरू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कौन व्यक्ति ने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं? रंजन गोगोई, अपडेटेड क्वेश्चन। रंजन गोगोई जो है भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति को हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी, जो उस कंपनी का नाम है अलीबाबा, के नए उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? डेनियल झेंग को अलीबाबा कंपनी, चाइना का एक कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी, जिसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय शुरू किया गया, स्पेशली रेलवे वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय शुरू किया गया दोस्त, ये किया गया गुजरात में जो है भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली जापानी महिला खिलाड़ी बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। हाँ हेलो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी योजना का शुरुआत किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोर स्टेप डिलीवरी योजना, ये जो है दिल्ली राज्य की सरकार ने यह स्थापित जो है योजना शुरू किया है। डोर स्टेप डिलीवरी योजना जो है दिल्ली राज्य की सरकार ने ये शुरू किया, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया जिसका शुरुआत हुई थी। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया जिसका शुरुआत हुआ था दोस्त 1966 से जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों हम लोग जो है सितंबर का सेकंड वीक तक क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं टोटल डिस्कस कर चुके हैं, अब सितंबर का थर्ड वीक का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सितंबर का थर्ड वीक का फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नील कुरिंजी नामक पौधे के संरक्षण की घोषणा किया है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नील कुरंजी नामक पौधे के संरक्षण की घोषणा किया है? ये जो किया है दोस्त तमिलनाडु राज्य की सरकार ने नील कुरंजी नामक पौधे के संरक्षण का घोषणा किया है। नील कुरंजी नामक पौधे के संरक्षण का घोषणा किया है तमिलनाडु राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने हाल ही में सिक्किम के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, यह भारत का कौन सा एयरपोर्ट है? यह 100 नंबर का एयरपोर्ट, सिक्किम का एयरपोर्ट जो है 100 नंबर का एयरपोर्ट है, जिसको हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा ढाई क्वान का निधन हो गया, सॉरी राष्ट्रपति त्रान ढाई क्वान का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित है? वियतनाम के जो राष्ट्रपति पहले थे त्रान ढाई क्वान का निधन हो गया, वो वियतनाम के राष्ट्रपति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर वर्ष मनाया जाता है, 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 20 सितंबर 2018 को भारत के किस ब्लास्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? भारत के ब्लास्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण
प्रहार ब्लास्टिक मिसाइल भारत का जो है, जिसका सफल परीक्षण 20 सितंबर 2018 को किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व विष्णु खरे का निधन हो गया। विष्णु खरे का निधन हो गया, वो एक कवि थे, ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व विष्णु खरे का निधन हो गया, वो एक कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के प्रमुख केन व्यास को नियुक्त हुआ है, ठीक है। केन व्यास को एटॉमिक एनर्जी कमीशन के प्रमुख के रूप में इनको नियुक्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये जो है मोरक्को, ध्यान देने वाली बात है, मोरक्को देश के साथ जो है भारत ने, मोरक्को देश के साथ भारत ने जो है कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु ये समझौता हस्ताक्षर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2018 की घोषणा हुआ, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ये जो है विराट कोहली को दिया गया है, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन को जो है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2018 की घोषणा हुआ, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विराट कोहली को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों बता दें आपको कि हाइड्रोजन से चलने वाली एक सफल ट्रेन का सफल परीक्षण किया है, जो कि जर्मनी देश, जर्मनी देश ने जो है दुनिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अन्ना राजम मल्होत्रा का निधन हो गया। अन्ना राजम मल्होत्रा का निधन हो गया, वो क्या थी, वो भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी, ठीक है। भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन बैंकों के विलय की घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा, देना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। केंद्र बैंक ने हाल ही में देना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत का 130वां स्थान है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने हेतु दो समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौतों को बढ़ावा देने हेतु समझौता हस्ताक्षर किया है, सर्बिया देश के साथ। ध्यान दीजिएगा, सर्बिया देश के साथ जो है द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डॉग पार्क आरंभ हुआ है। ये जो है हैदराबाद, हैदराबाद में जो है भारत का पहला डॉग पार्क आरंभ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाँ सितंबर तक टोटल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब चलते हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि दो तीन बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको जो है हूबहू सेम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ताकि एग्जाम में आपको किसी तरह का करंट अफेयर्स का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर के फर्स्ट वीक का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दो व्यक्तियों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कौन है। शांति में नोबेल पुरस्कार डेनिस मुकवेगे और नदिया मुराद को मिला है, ठीक है। दो व्यक्तियों को शांति में नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों, वो कौन कौन है, ये डेनिस मुकवेगे एंड नदिया मुराद, याद कर लीजिए, डेनिस मुकवेगे एंड नदिया मुराद को नोबेल के लिए शांति पुरस्कार इस वर्ष मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी परमाणु विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। रीता बरनवाल को जो है भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी परमाणु विभाग के प्रमुख के रूप में चुना गया है, रीता बरनवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में कौन टेस्ट डेब्यू पर शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। पृथ्वी शाह जो है बिहार का जो है क्रिकेट प्लेयर है, इन्होंने टेस्ट डेब्यू पर शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बने हैं, पृथ्वी शाह, याद कर लीजिए।
कौन व्यक्ति हाल ही में आईसीआईसीआई के नए एमडी सीईओ के रूप में चुने गए हैं। आईसीआईसीआई बैंक के नए सीईओ एमडी के रूप में संदीप बख्शी को चुना गया है। संदीप बख्शी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीन वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें कौन शामिल नहीं है। रसायन विज्ञान में दोस्तों एलेन जोसेफ इसमें शामिल नहीं है, ग्रेगोरी विंटर एंड फ्रांसिस अर्नोल्ड एंड जॉर्ज पी स्मिथ, ये तीनों शामिल है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेन जोसेफ इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीन वैज्ञानिकों ने भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है, ठीक है, जिसमें कौन शामिल नहीं है। इसमें मेडेरिन हसी शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों को जो है भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन तीनों को मिला है, ऑर्थर ऑस्टिन, गेराड मोरू एंड ड्रोना स्ट्रिकलैंड। दोस्तों इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जो कि फिजिक्स भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, थोड़ा सा नाम याद करने में डिफिकल्ट होता है, मैं इसका ट्रिक के कॉमन सा वर्ड बताता हूं, ऑर्थर ऑस्टिन, गेराड मोरू एंड ड्रोना स्ट्रिकलैंड। इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है कि इसको लिख लीजिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मेरा आस्की स्ट्रिक है, मेरा आस्की क्या है, स्ट्रिक्ट है, ठीक है, मेरा आस्की स्ट्रिक्ट है। मेरा फॉर मोरू हो जाएगा आस्की, मतलब आस्किन हो जाएगा, स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिकलैंड। इस चीज को मेरा आस्की स्ट्रिक्ट है याद रहेगा, तो आप लोग ऑप्शन से जो है एलिमिनेट करके उसको बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के तहत सर्वोच्च राज्य का पुरस्कार मिला है। ये जो है हरियाणा राज्य को मिला, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के तहत सर्वोच्च राज्य का पुरस्कार हरियाणा राज्य को मिला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन भारतीय मूल्य की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जाना जाता है, कि मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं, ये जो है गीता गोपीनाथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मुश्ताक अहमद को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, मुश्ताक अहमद को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, पेट्रोलियम मंत्री ने हाल ही में वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक पहल आरंभ की है, जिस पहल का नाम क्या है। उस पहल का नाम है दोस्त स्टैट, उस पहल का नाम है, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो व्यक्तियों ने वर्ष 2018 में चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा जेम्स एल्सिन एंड तासुक होंजो। दोस्तों नोबेल पुरस्कार से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, इसलिए याद कर लो, ठीक है। जेम्स एल्सिन, तासुकु होंजो, ये दोनों को जो है चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति चाय बागानों में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व लाभ देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। असम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में जो है चाय बागानों में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व लाभ देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1 अक्टूबर 2018 को विश्व आवास दिवस मनाया गया, जिसका शुरुआत हुआ था 1986 से, ठीक है, 1986 से मनाया जा रहा है दोस्त। 1 अक्टूबर 2018 को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व आवास दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने हाल ही में 8.20 मीटर की छलांग लगाकर लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ये जो है मुरली श्री शंकर जो है लंबी कूद के प्लेयर हैं, इन्होंने
ये जो है 8.20 मीटर की लंबी छलांग लगा करके जो है राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है रिकॉर्ड बना सॉरी राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 8.20 मीटर की लंबी छलांग लगा करके जो है राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है मुरली श्री शंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में एशिया कप 2018 का खिताब जीता है। ठीक है, बताइए भारत अब तक कितनी बार यह खिताब जीत चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशिया कप 2018 का खिताब जो है भारत ने जीता है। दोस्तों भारत ने हाल ही में एशिया कप 2018 का खिताब जीता है, यह बताइए यह भारत का जो है यह खिताब कितना बार जीत चुका है। इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ये जो है भारत ने 7 बार जीत चुका है एशिया कप। ठीक है, इस बार जो है एशिया कप भारत ने बांग्लादेश को हरा करके जीता है। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो व्यक्तियों को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ध्यान दीजिएगा, चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी एंड इनेमुल मैक्रो को। इनेमुल मैक्रो एंड नरेंद्र मोदी को जो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रैम का सफल परीक्षण किया है। जर्मनी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जर्मनी देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रैम का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जसदेव सिंह का निधन हो गया। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जसदेव सिंह का निधन हो गया, वो क्या थे? वो एक कमेंटेटर थे। जसदेव सिंह एक कमेंटेटर थे, कमेंट्री करते थे। ठीक है, कमेंटेटर थे। दोस्तों हम लोग जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था डिस्कस कर लिए हैं, अब चलते हैं अक्टूबर का सेकंड वीक का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू बने रहिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अक्टूबर के सेकंड वीक का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने जो है अजरबैजान एक कंट्री का नाम है दोस्त, अजरबैजान, ध्यान दीजिएगा, अजरबैजान एक कंट्री का नाम है। भारत ने अजरबैजान देश के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर डिजास्टर रिडक्शन हर वर्ष मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सरकार ने हाल ही में मृत्यु दंड समाप्त करने का घोषणा किया है? मलेशिया देश की सरकार ने मृत्यु दंड समाप्त करने का घोषणा किया है। बहुत ही हाईलाइटेड एंड चर्चित न्यूज रहा, आप लोग याद कर लीजिए, चर्चित एंड हाईलाइटेड न्यूज को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसको माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वोडाफोन ने हाल ही में महिला सुरक्षा को लेकर के एक सेवा की शुरुआत की है जिसका नाम है वोडाफोन सखी, ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। वोडाफोन सखी रहेगा, वोडाफोन सिक्योर, वोडाफोन पावर, वोडाफोन शक्ति, ऐसी तरह से ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा वोडाफोन सखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हुए हैं? भारत के नए सॉलिसिटर जनरल की बात हो रहा है दोस्त, तो तुषार मेहता भाग को भारत का नया सॉलिसिटर जनरल के रूप में इनको बनाया गया है, तुषार मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में एक मोबाइल हेल्थ ऐप शुरू किया है। भारत के वायुसेना ने जो है मोबाइल हेल्थ ऐप शुरू किया है जिसका नाम क्या है? उस ऐप का नाम है दोस्त मेडवॉच, उस ऐप का नाम है, याद कर लो मेडवॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड हर वर्ष मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड हर वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन यूथ ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? ठीक है, सॉरी,
क्वेश्चन में ये पूछ रहा दोस्त कि कौन यूथ ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरेमी लाल रिनुगा। जेरेमी लाल रिनुगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों और कामगारों हेतु मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना तथा कृषि समूह योजना लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने किसान और कामगारों हेतु मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना और कृषि समूह योजना लॉन्च किया है। दोस्तों हम लोग टोटल वीकली करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं पूरा डिस्कस करते हैं इस चैनल पे, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में आतंकवाद निरोधक बल कवच की घोषणा किया है? आतंकवाद निरोधक बल कवच की घोषणा हरियाणा राज्य की सरकार ने यह घोषणा किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कुसुम योजना शुरू किया है? ध्यान देने वाला बात है, निर्माण कुसुम योजना उड़ीसा राज्य की सरकार ने यह लागू किया है। ये जो है निर्माण कुसुम योजना उड़ीसा राज्य की सरकार ने यह लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता? अंडर 19 एशिया कप 2018 का खिताब भारत ने जीता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आम की किस किस्म की जीआईटी टैग प्रदान किया है? आम का जो अल्फांसो किस्म है, अल्फांसो आम का एक टाइप है, प्रकार है, उसको जीआईटी टैग मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर में हाल ही में एशिया का प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर घोषणा किया गया है? ये जो है पटना बिहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना बिहार में जो है एशिया का प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाने का घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्रिक अभ्यास, कौन सा अभ्यास है दोस्त? जे आई एम ई एक्स 2018 18 का शुरुआत जापान के साथ हुआ है, भारत और जापान, ठीक है। भारत और जापान के साथ जो है द्विपक्षीय समुद्रिक अभ्यास JIMEX 2018 का शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 8 अक्टूबर 2018 को कौन सा वायुसेना दिवस मनाया गया? 86th नंबर का जो वायुसेना दिवस इस वर्ष मनाया गया, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 8 अक्टूबर 2018 को, इस वर्ष जो था ये 86th नंबर का था वायुसेना दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो व्यक्तियों ने हाल ही में अर्थशास्त्र श्रेणी से नोबेल पुरस्कार जीता है, ठीक है? विलियम डी नॉर्डहॉस एंड पॉल एम रोमर, नोट डाउन कर लीजिए, विलियम डी नॉर्डहॉस एंड पॉल एम रोमर को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है, ठीक है। दोस्तों हम लोग जो है सेकंड वीक तक देख चुके हैं, अक्टूबर के सेकंड वीक तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख चुके हैं, अब चलते हैं अक्टूबर के थर्ड वीक तक। अक्टूबर के थर्ड वीक का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? मीनल पटेल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मीनल पटेल जो कि भारतीय मूल की महिला है, इनको अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है, मीनल पटेल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 20 अक्टूबर 2018 को किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? प्रवीण कुमार जो कि भारतीय क्रिकेटर है, इनको ये जो है इन्होंने 20 अक्टूबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लीची की किस किस्म की जीआईटी टैग प्रदान हुआ है? लीची का शाही किस्म का जो है जीआईटी टैग प्रदान हुआ है, आम का अल्फांसो का जीआईटी टैग प्रदान हुआ है एंड लीची का शाही का जीआईटी टैग प्रदान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में जारी WEF प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था सूची में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 58वां नंबर का स्थान मिला है WEF प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था सूची में। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में सुरंग के अंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन बनेगा? हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में सुरंग के अंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट चर्चित न्यूज है, ये जो है हिमाचल प्रदेश में बनेगा, याद कर लो, बहुत हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है घोषणा हुआ है कि राज्य में जो है सुरंग जो है बनेगा, जो है ये जो है किस राज्य में सुरंग के अंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो बनेगा दोस्त, ये जो है हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में दुनिया के पहले बड़े परिवहन ड्रोन, ड्रोन का नाम है फिहोंग 98 का सफल परीक्षण किया है? ये चाइना देश। ठीक है, चाइना देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे पहले परिवहन ड्रोन फिहोंग 98 का सफल परीक्षण चाइना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्यक्तित्व एनडी तिवारी, का निधन हो गया, वो किस दो राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ठीक है, ये जो थे उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी, उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द इरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हर वर्ष मनाया जाता है, ये 17 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से दुनिया के पहले पूर्ण जैविक राज्य का पुरस्कार मिला है? ये सिक्किम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किस राज्य को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के दुनिया के पहले पूर्ण जैविक राज्य का पुरस्कार मिला है? सिक्किम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वह किस देश से संबंधित है? प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान आर्मेनिया देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मैन बुकर 2018 का पुरस्कार जीता है? एना बर्सन मैन बुकर 2018 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पॉल एलन का निधन हो गया, वो क्या थे? वो थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सह संस्थापक थे। ठीक है, पॉल एलन का निधन हो गया, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी सरकार ने हाल ही में किस शहर का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है? ये जो है इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 16 अक्टूबर 2018 को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत कब से हुई थी? विश्व खाद्य दिवस का शुरुआत 1981 से मनाया जा रहा है दोस्त, प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? शेखर मंडे को जो है वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक के रूप में इनको चुना गया है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018, ध्यान दीजिएगा, 2018 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो रिपोर्ट आया है उसमें भारत का स्थान मिला है दोस्त 103। 18 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो स्थान में जो भारत का स्थान 103 मिला है, बात करते हैं 2017 की, तो 2017 में भारत का स्थान मिला था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 100 मिला था। ठीक है, 2017 में 100 मिला था एंड 18 की बात करते हैं तो 18 में जो है 103 मिला है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने हाल ही में शंघाई मास्टर ओपन का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने शंघाई मास्टर ओपन का खिताब जीता है। ठीक है, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन
हर वर्ष मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन हर वर्ष मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। अक्टूबर का जो है हम लोग थर्ड वीक तक पूरा देख चुके हैं क्वेश्चन, जितना महत्वपूर्ण था। अब चलते हैं अक्टूबर के फोर्थ वीक का क्वेश्चन, ठीक है। अक्टूबर के फोर्थ एंड लास्ट वीक का क्वेश्चन है अक्टूबर का। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दो टीमों ने हाल ही में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 का संयुक्त रूप से जीता है? भारत और पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। किन दो टीमों ने हाल ही में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 का खिताब जीता है? भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय के निर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? संजय मिश्रा। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मदन लाल खुराना का निधन हो गया। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये जो थे दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना, जिनको निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2014-15-16 के टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा हुई, जिसमें किसे वर्ष 2016 का एक पुरस्कार दिया गया था? राम बनर्जी सुतार को जो है वर्ष 2016 का पुरस्कार दिया गया था, टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने हाल ही में किस वर्ष में पहला अंतर्राष्ट्रीय यात्री भेजने का घोषणा किया है? ठीक है, पहला अंतरिक्ष यात्री भेजने का घोषणा किया है वर्ष 2022 में। पाकिस्तान ने हाल ही में किस वर्ष 2022 में जो है अंतरिक्ष यात्री भेजने का घोषणा किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली इंजन रहित रेल इंजन तैयार हुई है, जिसका नाम क्या है? भारत की पहली इंजन रहित रेल इंजन तैयार हुआ, उसका नाम है ट्रेन 18। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ जलमार्ग संपर्क बढ़ाने हेतु समझौता किया है? भारत ने बांग्लादेश के साथ जलमार्ग संपर्क बढ़ाने हेतु ये समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अदेल अब्दुल महदी जो है इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं? बहुत हाल ही में चर्चित एंड हाईलाइटेड न्यूज था ये, जो है विराट कोहली, भारत के विराट कोहली जो है इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, इन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एवेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। वह किस देश से संबंधित है? ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेट प्लेयर हैं एवेन ब्रावो, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे हाल ही में सियोल शांति पुरस्कार 2018 हेतु चुना गया है? नरेंद्र मोदी जी को जो है सियोल शांति 2018 पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक के रूप में चुना गया है? सीबीआई के नए निदेशक नागेश्वर राव को जो है सीबीआई के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट एंड चर्चित हाईलाइटेड न्यूज रहा, इसे भी आप लोग याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में डेनमार्क ओपन का खिताब जीता है? तेई जू इंग ने जो है बैडमिंटन खिलाड़ी ने जो है इन्होंने डेनमार्क ओपन खिताब जीता है तेई जू इंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2020 तक कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च करने का घोषणा किया है?
चाइना देश ने जो है वर्ष 2020 तक कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च करने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? ये जो है बजरंग पुनिया जो है कुश्ती के प्लेयर हैं, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, बजरंग पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने समुद्र पर विश्व का सबसे लंबा पुल बनाया जिसकी कुल लंबाई कितनी है? ये जो है 55 किलोमीटर का विश्व का सबसे लंबा पुल जो है चाइना ने समुद्र में बनाया है, जिसकी लंबाई 55 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी याद कर लो। दोस्तों, हम लोग जो है अक्टूबर तक जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था पूरा डिस्कस कर लिए हैं फर्स्ट वीक से। आइए, हाँ आइए, नवंबर के फर्स्ट वीक का क्वेश्चन से स्टार्ट हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। कौन है? ऑप्शन गिवन है दोस्त, केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर है, ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, थर्ड ऑप्शन है बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के है, सिमरन हेटमायर जो कि विंडीज से है, ठीक है। ऑप्शन गिवन है आपका, चार ऑप्शन बता दिए हैं। इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्त, करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर आजम जो कि पाकिस्तान से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बाबर आजम हो जाएगा, पाकिस्तान से है। इनके बारे में और भी कुछ बता देना चाहता हूं दोस्त, ये बाबर आजम ने T20 में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने 26 मैच की 26वीं पारी में, लास्ट पारी में ही 1000 रन पूरे किए हैं। और बता दें कि बाबर ने पहले T20 में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट टीम विराट कोहली के नाम था, ठीक है। विराट ने 29 मैच की पारी में 27वीं पारी में जो है 1000 रन पूरे किए थे। और इन्होंने बाबर आजम ने 26 मैच की जो लास्ट मैच था उसी में 1000 रन इन्होंने पूरा किया है, ठीक है। या इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर आजम जो कि पाकिस्तान से हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ तुर्गा पनबिजली समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपको ऑप्शन की मैंने जापान, फ्रांस, चाइना एंड म्यांमार, ठीक है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्त, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जापान हो जाएगा दोस्त। बता दें कि जापान हाल ही में जो है भारत एवं जापान के प्रतिनिधियों के मध्य 1817 करोड़ रुपए का पनबिजली समझौता पे हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। यह समझौता जो है दोस्तों तुरंगा पनबिजली परियोजना के लिए किया गया है। ध्यान दीजिएगा, कौन परियोजना है दोस्त? तुरंगा पनबिजली परियोजना के लिए, ठीक है। इस परियोजना के तहत तुरंगा पंप स्टोरेज पनबिजली परियोजना का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है वो भी आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्त, इस योजना से औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी, ठीक है। यह ऐसा माना जा रहा है दोस्त कि तुर्गा पनबिजली परियोजना से पश्चिम बंगाल के स्थानीय क्षेत्र में बिजली की कमी की समस्या से निजात मिलेगी, ठीक है। आप लोग को एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्त कि पनबिजली के बारे में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पनबिजली उसको बोलते हैं दोस्त कि बहते हुए पानी या गिरते हुए जल की ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसी को पनबिजली अथवा जल विद्युत कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका दिख रहा है आपका स्क्रीन पे, ध्यान दीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए सौर जल निधि नामक योजना का शुभारंभ किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए सौर जल निधि नामक योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन गिवन है महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश।
करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में है, बता देना चाहता हूँ कि हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी करंट में है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ने 30 अक्टूबर 2018 को सौर जल निधि योजना का शुभारंभ किया है। बहुत चर्चित हाईलाइटेड ये योजना रहा था न्यूज में, इसलिए आप लोगों को एग्जाम में दिखने को जरूर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इसका शुभारंभ किसने किया था दोस्त, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो है करंट में, उन्हीं के द्वारा सौर जल निधि योजना का शुभारंभ हुआ था। और इस योजना से उद्देश्य क्या है, इस योजना लाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये बता देना चाहता हूँ कि इससे होगा कि किसानों द्वारा सिंचाई में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इससे बढ़ावा मिलेगा और राज्य में सरकार में जो है सोलर फोटोवोल्टेइक पंप सेट का प्रयोग बढ़ने में भी इसका मदद मिलेगा। ठीक है, एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्त कि इस जो योजना लॉन्च हुआ है सौर जल निधि योजना, इसके शुभ अवसर पे जो है मुख्यमंत्री ने योजना का वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें और बता देना चाहता हूं कि इस इवेंट में 30 जिलों के किसानों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया था। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इतना पॉइंट इस क्वेश्चन में आपको जानना बहुत जरूरी था। आ जाओ फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर, पूरा क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा ताकि किसी तरह से आपको क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आप एग्जाम में जरूर आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आ जाओ। हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 200 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को भीवीआई आप लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 200 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं, ऑप्शन गिवन है मार्लोन एमुएल्स, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हाशिम अमला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त रोहित शर्मा, इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 200 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। ठीक है, ये बता देना चाहता हूं दोस्त कि इन्होंने जो है भारत के धुआंधार बल्लेबाज जो है रोहित शर्मा 1 नवंबर 2018 को तिरुवनंतपुरम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, किस टीम के खिलाफ दोस्त, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पांचवे मैच के दौरान जो है इन्होंने इतिहास रचा है, सबसे तेज 200 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, रोहित शर्मा याद आप लोग याद कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे पहले बता देना चाहता हूं कि इनसे पहले 200 छक्के लगाने वाले में इनसे पहले स्थान पे थे शाहिद अफरीदी, लेकिन उनका जगह लेकर के अब रोहित शर्मा बन गए हैं। ठीक है, इनका एक क्रम बता देना चाहता हूँ, खिलाड़ियों का क्रम जिन्होंने 200 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं, सबसे फर्स्ट में रोहित शर्मा हो गए हैं, सेकंड में शाहिद अफरीदी, थर्ड में एवी डिविलियर्स, फोर्थ में ब्रैंड मैकुलम। नोट डाउन कर लीजिएगा, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ हर एक पॉइंट को आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत एग्जाम में आपको रिपीट इससे रिलेटेड मिल सकते हैं। फोर्थ में ब्रैंड मैकुलम है एंड फिफ्थ में क्रिस गेल है। ठीक है, एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज का एक क्रम सीरियल में मैं बता देना चाहता हूं कि फर्स्ट में जो है अभी शाहिद अफरीदी, सेकंड में क्रिस गेल, थर्ड में सनत जयसूर्या एंड फोर्थ में एमएस धोनी, फिफ्थ में एवी डिविलियर्स। ठीक है, इतना पॉइंट इस एक क्वेश्चन में डिस्कस करना आपके लिए बहुत हेल्प होगा। चलो अब आओ फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर गया हूं दोस्त, सेशन को एंजॉय करो, लास्ट तक जरूर देखो। इस चैनल पे मैं वीकली बाय वीकली प्रत्येक वीक का करंट अफेयर्स में जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहो, और स्पेशली रेलवे वालों के लिए रेलवे का स्पेशल क्लास इस चैनल पे चलाया जा रहा है। एक बार दिखा देना चाहता हूं कि जो रेलवे का CBT 2 का एग्जाम होने वाला है टेक्निकल ट्रेड का, स्पेशली टेक्निकल ट्रेड जो है CBT 2 में पार्ट बी में फीटर टर्नर मैकेनिस्ट और अदर जितने भी ट्रेड है हर किसी के लिए प्रत्येक के लिए MCQ क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, देख सकते हैं। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो रेलवे ने सिलेबस प्रोवाइड कराया था उससे रिलेटेड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लाइन प्रोजेक्शन और जितने भी रेलवे के थ्रू जो करंट जो दिया है सिलेबस प्रोजेक्शन व्यू पूरा इस चैनल पे अपलोड किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग भी देख सकते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे
वीकली बाय वीकली जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं इसी का जो है दिसंबर 2017 से ये जो नवंबर फर्स्ट वीक तक अपडेटेड करंट अफेयर्स इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूं, जो कि आगामी रेलवे का जो CVT2 होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही आपको कारगर साबित होगा। उस ये जो है आप देख सकते हैं, ये जो करंट अफेयर्स आप यहां से आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए आइए आप क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में 4 व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं, जिनमें कौन शामिल नहीं है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन गिवन है आर सुभाष रेड्डी, सुभाष चावला फोर्थ ऑप्शन है, एम आर शाह, अजय रस्तोगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्त, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चावला जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ नहीं लिए हैं, इसलिए सुभाष चावला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी करंट में कौन है ये भी आपको याद रखना जरूरी है, रंजन गोगोई नहीं, 2 नवंबर 2018 को जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस सुभाष आर रेड्डी, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस अजय रस्तोगी को सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर जो है शपथ दिलाई है। ठीक है, और जिसमें सुभाष चावला नहीं है, इसलिए राइट आंसर सुभाष चावला हो जाएगा। आपको याद ये भी पॉइंट होना बहुत जरूरी है कि करंट में चीफ जस्टिस कौन है, रंजन गोगोई। बहुत रेलवे में क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए याद कर लो। आ जाओ आप सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन पे। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्त, हाल ही में जारी इज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत चर्चित न्यूज में रहा था, इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन की बहन है 77, 93, 66, 20। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 77, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 77वां स्थान भारत को मिला है। जारी हुआ था एक इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का 77वां स्थान मिला है। दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूं कि भारत ने जो है 23 स्थानों को जबरदस्त छलांग लगाते हुए 77वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, ये जो है भारत का यह रैंकिंग अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। ठीक है, एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्त कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस से इसका अर्थ होता है दोस्त कि कारोबार करने में कारोबारियों को कितनी आसानी होती है, इस इज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये इसका मतलब होता है, मीन्स होता है। एक बात और बता देना चाहता हूं इससे रिलेटेड, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि वर्ष 2018 में भारत का DTF स्कोर पिछले साल से 60.76 से बढ़कर के 67.23 पर आ गई है, लगभग 7 जो है बढ़ गया है DTF स्कोर। इतना पॉइंट इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। हाल ही में कौन एशियन एशियन स्नूकर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ऑप्शन गिवन है आदित्य मेहता, गीत सेठी, पंकज अडवाणी, मनन चंद्र। इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्त, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कौन एशियन स्नूकर टूर खिताब जीतने वाले भारतीय बने हैं, पंकज अडवाणी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद कर लो। हाल ही में पंकज अडवाणी एशियन स्नूकर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, पंकज अडवाणी ने यह उपलब्धि दोस्तों 31 अक्टूबर 2018 को चीन में आयोजित हो रहा था, ये जो स्नूकर का जो खिताब जो जीते है ये चाइना में आयोजित हो रहा था। ठीक है, जिसमें जो इन्होंने खिलाड़ी जू रेती को 6-1 से हरा करके ये खिताब जीता है। एक बात और बता देना चाहता हूं कि पद्म भूषण से सम्मानित पंकज अडवाणी ने मार्च 2018 में एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था, इन्हीं के नाम भी था एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब मार्च 2018 में जो हुआ था। पंकज अडवाणी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चीन के जू रेती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किनको हरा करके जू रेती को फाइनल में 6-1 से हरा करके ये खिताब जीता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब बढ़ते हैं।
आ जाओ आठ नंबर क्वेश्चन। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हाई स्पीड रेल परियोजना और नौसेना सहयोग सहित 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन गिवन है जापान, बुल्गारिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्त जापान, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जापान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। कौन व्यक्ति हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लो। हर एक गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत एग्जाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीकली करंट अफेयर का क्वेश्चन मैं इसी तरह का प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहो। कौन व्यक्ति हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन की मैंने सूर्यकामा मेंडीज, नुवान प्रताप, महिदा राजपक्षे, योगोमो मोकाबो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त महिदा राजपक्षे। महिदा राजपक्षे इस क्वेश्चन का राष्ट्र का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिदा राजपक्षे ने एक नाटकीय घटनाक्रम में प्रधानमंत्री के पद पर वापसी किया है। पहले ये पूर्व राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, इन्हीं को जो है द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर वापसी इनको नियुक्त किया गया है, इसलिए श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हो गए महिंदा राजपक्षे। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिंदा राजपक्षे के बारे में और भी महत्वपूर्ण, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं टोटल डिस्कस करता हूँ। महिंदा राजपक्षे का जन्म जो हुआ था दोस्त 18 नवंबर 1945 को हुआ था। वे 19 नवंबर 2005 से 9 जनवरी 2015 तक श्रीलंका के 6 राष्ट्रपति बने थे, 6 नंबर का राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, और उनके बारे में बता देना चाहता हूँ, वे एक वकील थे जिन्होंने पहली बार 1970 में श्रीलंका की संसद के लिए चुना गया था। ठीक है, इनके बारे में इतना पॉइंट जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किस शहर में गुजरात में सबसे पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ? ऑप्शन गिवन है बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सूरत, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाल ही में सूरत में जो है बता देना चाहता हूं कि सूरत में जो है मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, ये जो है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो अभी हरसिमरन कौर बादल है, जिन्होंने 29 अक्टूबर 2018 को सूरत में गुजरात में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, मेगा फूड पार्क के बारे में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं पॉइंट वो डिस्कस कर लेता हूं। ये बता देना चाहता हूं दोस्त, यह मेगा फूड पार्क जो है 70.157 एकड़ भूमि पर बना हुआ है, जिसमें लगभग 117.87 करोड़ रुपए का लागत से बनाया गया है। ये राउंड फिगर 117.87 नोट डाउन कर लो, कभी पूछ दिया जा सकता है एग्जाम में कि गुजरात में जो मेगा फूड पार्क बना है उसका जो है लागत कितना लगा था, 117.87 करोड़। ठीक है, और एक बात और बता देना चाहता हूं कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जुड़े उद्यमियों के लिए पार्क में एक प्रशासनिक भवन भी जो है उस पार्क में बनाया गया है। दोस्तों आज के लिए फर्स्ट वीक का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था पूरा इस वीडियो में डिस्कस है। दोस्तों नवंबर का फर्स्ट वीक ऑलरेडी चैनल पर लोड हो गया है, नवंबर का सेकंड वीक से स्टार्ट करते हैं। नवंबर का सेकंड वीक देख सकते हैं करंट अफेयर्स का, नवंबर का सेकंड वीक हम लोग टोटली जो है वीकली बाय वीकली चैनल पर अपलोड करते हैं, तो इसलिए चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहे। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन भारतीय यूनिसेफ इंडिया के युवा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? दोस्तों युवा ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रहा है, किसमें? भारतीय यूनिसेफ के। ऑप्शन जी है दोस्तों दीपा कर्मकार, साक्षी मलिक, हिमा दास, सानिया मिर्जा। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हिमा दास हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हिमा दास हो जाएगा। बता दें दोस्तों कि हिमा दास ने हाल ही में भारत की प्रसिद्ध धाविका यह है और जिन्होंने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 15 नवंबर 2018 को यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है।
ठीक है 15 नवंबर 2018 को जो है यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों। इनका मेन पर्पस इसलिए यहाँ पे बनाया गया है क्योंकि इनको काम है ये दोस्तों कि यहाँ पे हिमा जो है क्या काम करने वाले, बच्चों को अधिकार और आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करने के लिए इनको जो है प्रमोट करने के लिए इनको बनाया गया है। ठीक है, बच्चों और युवाओं को आवाज बुलंद करने में हिस्सा लेगी है। ठीक है, हिमा दास के बारे में और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हिमा दास जो दोस्तों बता दें कि इन्होंने जुलाई 2018 में फिनलैंड में आयोजित आईआईएफ वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप की महिला श्रेणी में 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। बहुत ही हाईलाइटेड ये जब गोल्ड मेडल जीते थे उसने बहुत चर्चित में रहे थे। ठीक है, 400 मीटर का जो है गोल्ड मेडल जीता था कौन से मैच में दोस्तों, तो आईआईएफ वर्ल्ड का अंडर 20 चैंपियनशिप का मैच हो रहा था उसमें इन्होंने 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। और भी बता दें कि इन्होंने फाइनल में 51.46 सेकंड का समय निकालते हुए स्वर्ण पदक जीता था। ये भी पॉइंट आपको याद करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 51.46 सेकंड में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अंडर 19 चैंपियनशिप में। ठीक है, एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इसी प्रतिस्पर्धा में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा का रजत पदक हिमा ने अपने नाम किया था। कौन सी एक और भी जयकार्ता में मैच खेला गया था दोस्तों जिन्होंने हिमा दास ने 400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं ये क्वेश्चन से उससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा उस पॉइंट पे। ठीक है, चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने कर्मचारी के प्रशिक्षण हेतु, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली पुलिस ने कर्मचारी के प्रशिक्षण हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज में रहा था दोस्तों, जिसका नाम क्या, उस पोर्टल का नाम डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, इसलिए पोर्टल का नाम याद करना बहुत जरूरी है। ऑप्शन गिवन है निपुण ई पुलिस ई ट्रेनिंग सक्षम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा निपुण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बता दें दोस्तों कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों को ज्यादा प्रोफेशनल और जनता के प्रति जागरूक संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए ये जो है निपुण नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, बता दें दोस्तों ये जो है पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्स को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो कि फीकी है, NHRC और NPCR तथा जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज दिल्ली द्वारा प्रोजेक्ट के तहत ये जो है तैयार किया गया है। आपसे कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है दोस्तों कभी कभी एग्जाम में कि जो पोर्टल लॉन्च किया है इसका जो है तैयार करने वाला कौन सा है, मेन रोल किसका था, तो बता दे दोस्तों कि यहाँ पे जो है मेन रोल एंड NHRC और जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के द्वारा ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी याद करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हाल ही में रामायण में वर्णित प्रमुख स्थान हेतु एक ट्रेन शुरू किया गया है, जिस ट्रेन का नाम क्या, बहुत ही चर्चित रहा था न्यूज में। ऑप्शन की रामायण एक्सप्रेस, हिंदू एक्सप्रेस, श्री राम एक्सप्रेस, अयोध्या एक्सप्रेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, रामायण एक्सप्रेस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है दोस्तों हाल ही में जो है ये जो रामायण एक्सप्रेस का जो है उद्घाटन हुआ था दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रामायण एक्सप्रेस हो जाएगा। बता दें कि ये जो है रामायण एक्सप्रेस हाल ही में दोस्तों दिल्ली के जो सफदरगंज रेलवे स्टेशन है वहां से 14 नवंबर 2018 को पूरे रामायण सर्किट पर दौड़ने वाली विशेष पर्यटक श्रेणी का ये जो ट्रेन है रामायण एक्सप्रेस, जिसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये एग्जाम में ये भी पॉइंट आपको याद करना है दोस्तों कि किस स्टेशन से, दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से जो है स्टार्ट किया गया था, हरी झंडी दिखाया गया था। एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि श्री रामायण एक्सप्रेस अपनी पहली यात्रा पर 800 यात्रियों को साथ रवाना हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आ गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय 65 किलोग्राम वर्ग में दुनिया के नंबर वन पहलवान बने। ऑप्शन की बने योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया, सुशील कुमार, उदय चंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने जो है भारतीय जो कि है इन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में दुनिया के नंबर वन पहलवान बने हैं। बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों कि हमारे इंडियन के एक युवा
जो है एथलीट, इन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में जो है इन्होंने दुनिया के नंबर वन पहलवान बने हैं, ठीक है। और एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इस सत्र में इन्होंने जो है 5 पदक जीतने वाले 24 वर्षीय बजरंग पुनिया UWU की सूची में 96 अंक के साथ रैंकिंग तालिका में 6 स्थान पे आ गए हैं, ठीक है। बजरंग पुनिया के बारे में दोस्तों कभी कभी एग्जाम में जो है जो प्लेयर होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जन्म से रिलेटेड एंड उनके जो है स्टेट से रिलेटेड। तो बता देना चाहता हूँ कि बजरंग पुनिया का जन्म दोस्तों फरवरी 1994 को हरियाणा के झज्जर में हुआ था, हरियाणा के झज्जर स्टेट याद कर लीजिएगा, हरियाणा में हुआ था और झज्जर जगह पे जो हुआ था इनका जन्म हुआ था, हरियाणा के झज्जर जगह पे बजरंग पुनिया का। इन्होंने जो है बता देना चाहता हूँ कि 2013 में भी इन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जो है कांस्य पदक जीता था, और 14 में भी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक आयोजित राष्ट्रमंडल खेल हो रहा था दोस्तों उसमें रजत पदक इन्होंने जीता था, और 17 में भी जो इन्होंने एक कुश्ती में स्वर्ण पदक जीते हैं। और 2018 इस वर्ष की बात करते हैं दोस्तों कि इस वर्ष में इन्होंने बजरंग पुनिया ने ऑस्ट्रेलिया में जो गोल्ड को ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में जो मैच हो रहा था दोस्तों उसमें जो है स्वर्ण पदक इन्होंने जीते थे। इतना पॉइंट एक क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करना बहुत जरूरी था, याद कर लीजिएगा। चलते हैं आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला जलमार्ग बंदरगाह आरंभ हुआ है? दोस्तों भारत का पहला जलमार्ग बंदरगाह की बात हो रहा है। ऑप्शन गिवन है दोस्तों सूरत, वाराणसी, जोधपुर एंड भोपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर वाराणसी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर वाराणसी। वाराणसी में बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि वाराणसी में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 12 नवंबर 2018 को अपने संसदीय क्षेत्र, एक बात और भी पॉइंट याद करने नोट करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी ही है, ठीक है। वाराणसी में 2400 करोड़ रुपए की सौगात दी है, ठीक है, जिसमें इन्होंने जो है पहला जलमार्ग बंदरगाह स्टार्ट किया है वाराणसी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर क्वेश्चन में, आप लोग आ जाइए। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस देश में भारतीय सैनिकों के सम्मान में जो है स्मारक का उद्घाटन किया है? बहुत ही चर्चित में रहा था दोस्तों। ऑप्शन गिवन है फ्रांस, जापान, श्रीलंका एंड चाइना। इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, फ्रांस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बता दें कि हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में भारत द्वारा उत्तरी फ्रांस में निर्मित पहले युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जो है में जो है जो भारतीय सैनिक मरे थे उन्हीं के याद में जो है यहाँ पे फ्रांस में स्मारक बनाया गया है एम वेंकैया नायडू के द्वारा जो है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में किस व्यक्ति की जीवनी पे नोट्स ऑफ अ ड्रीम का लोकार्पण हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत चर्चित ये न्यूज में रहा था, याद कर लीजिए, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी व्यक्ति के जीवनी पे जो है नोट्स ऑफ अ ड्रीम का लोकार्पण हुआ? ऑप्शन गिवन है विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, प्रणब मुखर्जी, एआर रहमान। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, एआर रहमान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एआर रहमान के जो है जीवनी पे जो है नोट्स ऑफ द ड्रीम का लोकार्पण हुआ है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। ऑप्शन गिवन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन गिवन है मिथाली राज, झुलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बता दें दोस्तों कि हाल ही में हरमनप्रीत कौर ने 9 नवंबर 2018 को तूफानी बल्लेबाज करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मैच में जो है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में केवल 49 गेंदा में शतक जड़े हैं, ठीक है, 49 गेंदा में शतक जड़े हैं। इसमें बता देना चाहता हूँ कि इनके शतकीय पारी में 8 छक्के और 7 चौके लगे थे, ठीक है। बहुत ही चर्चित ये इंडियन क्रिकेट महिला टीम के प्लेयर है हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हरमनप्रीत कौर के बारे में और भी बता देना चाहता हूँ दोस्तों
कि हरमनप्रीत कौर का जन्म हुआ था दोस्तों 8 मार्च 1989 में, जो कि पंजाब के मोगा में हुआ था। ठीक है, पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पर हुआ था। हरमनप्रीत कौर एक कौर जो है और एक ऑलराउंडर प्लेयर है। ठीक है, उन्होंने उनके बारे में और भी एक पॉइंट याद करने वाली बात है दोस्तों कि उनको जो उन्होंने जो पहला टेस्ट मैच अगस्त 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद करना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आ जाइए 9th नंबर क्वेश्चन पे। 9th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 10 नवंबर 2018 को किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन की मैंने युवराज सिंह, मुनव पटेल, हरभजन सिंह, यूसुफ पठान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, मुनव पटेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बता दें दोस्तों कि हाल ही भारतीय क्रिकेट टीम के सीनियर तेज गेंदबाज मुनव पटेल ने जो है क्रिकेट के जो है क्रिकेट से जो है संन्यास लेने का घोषणा किया है। ठीक है, एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि मुनव पटेल ने भारतीय टीम के लिए 6 जुलाई 2011 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 10th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने हाल ही में सरकारी न्यूज चैनल हेतु वर्चुअल न्यूज एंकर लॉन्च किया। बहुत ही हाईलाइटेड न्यूज है दोस्तों, किस देश ने जो है सरकारी न्यूज चैनल हेतु वर्चुअल न्यूज एंकर का लॉन्च किया। ऑप्शन की है जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, चाइना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बता देना चाहता हूं कि चाइना ने जो है सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ, ध्यान दीजिएगा एजेंसी का नाम सिन्हुआ है, ये आपको याद करना जरूरी है। कौन सा एजेंसी कभी कभी पूछ लिया जाएगा, तो सिन्हुआ नामक एजेंसी है जिन्होंने 8 नवंबर 2018 को जो है एक वर्चुअल न्यूज एंकर का जो है पेश किया है। सिन्हुआ ने एक दावा किया है दोस्तों कि समाचार पढ़ने वाला ये न्यूज रीडर ठीक से उसी तरह समाचार पढ़ सकते हैं जिस प्रकार पेशेवर न्यूज रीडर जो है खबर पढ़ते हैं। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि वर्चुअल न्यूज एंकर अपने अपने पहले वीडियो में कहता है कि मैं आपको सूचना देने के लिए लगातार काम करूंगा क्योंकि मेरे सामने लगातार टेस्ट टाइप होते रहेंगे। ये जो है कुछ वर्चुअल न्यूज पेपर जो है उसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इतना जानना आप लोगों को जरूरत है। मेन जो है एजेंसी का नाम पूछ दिया जाएगा दोस्तों, एजेंसी का नाम याद रखिएगा, सिन्हुआ नामक एजेंसी था और ये जो है चाइना में जो है ये लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का स्थापना करने का मंजूरी दिया है। ऑप्शन की बने राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, बता देना चाहता हूँ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 नवंबर 2018 को आंध्र प्रदेश के एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने का मंजूरी दिया है। ठीक है दोस्तों, और भी एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो है मंत्रिमंडल में जो है विदेशी राष्ट्रीय तेल कंपनियां एनओसी द्वारा कर्नाटक के पादुर स्थित पादुर राजनीतिक पेट्रोलियम भंडार को भरने की मंजूरी प्रदान किया है। ये जो है मीटिंग में जो है कैबिनेट के मीटिंग में कुछ और भी पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों कि इसमें जो है मंत्रिमंडल में विदेशी तेल कंपनियां जो कि एनओसी है जिसमें कर्नाटक के पादुर स्थित मंत्रिमंडल में जो है पेट्रोलियम भरने की मंजूरी प्रदान किया है। एक और भी इस मंत्रिमंडल में एक और भी घोषित किया गया था दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्को के बीच जो है प्रत्यर्पण समझौते पर हस्ताक्षर एवं अनुमोदन करने का मंजूरी दिया है। ठीक है, उसी मंत्रिमंडल ने जो है यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश में जो है जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने का मंजूरी भी दिया है। इसलिए पॉइंट आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स का नवम्बर का थर्ड वीक का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मशहूर शायरा व लेखिका फहमीदा रियाज का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थी। ऑप्शन गिवन है दोस्तों पाकिस्तान, सऊदी अरब, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। मशहूर शायरा व लेखिका फहमीदा रियाज जो है ये पाकिस्तान से जो है थे, इनका जो है निधन हो गया। ठीक है, बहुत ही चर्चित में जो रहा था दोस्तों ये न्यूज,
इनका निधन जो हो गया दोस्तों 21 नवंबर 2018 को लाहौर में निधन हो गया था। ठीक है, एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो फहमीदा रियाज जो है इंडिया में इनका जन्म हुआ था, जो कि 28 जुलाई 1945 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो है इनका जन्म स्थान हुआ था। ठीक है, ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है उर्दू लेखिका, कवित्री एंड मानव अधिकार कार्यकर्ता और नारीवादी थे। ठीक है, इनका जो पहला जो पुस्तक जो पब्लिश हुआ था दोस्तों 1967 में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था पत्थर की जुबान। बहुत ही चर्चित ये जो पुस्तक था पत्थर की जुबान, इसका राइटर ये है फहमीदा रियाज, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो है पाकिस्तान के रहने वाली है। ठीक है, पाकिस्तान के रहने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इतना क्वेश्चन उनके बारे में जानना जरूरी था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में कौन रणजी ट्रॉफी में, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन गिवन है चेतेश्वर पुजारा, बशीम जाफर, अभिनव मुकुंद एंड मुरली विजय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बशीम जाफर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बशीम जाफर। वसीम जाफर हाल ही में, बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि वसीम जाफर ने जो है हाल ही में रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, ये जो है 11,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। जाफर ने विदर्भ की तरफ से बड़ौदा के खिलाफ 153 रन की शानदार पारी खेली थी, इसी बीच जो है इन्होंने 11,000 रन जो है पूरे किए थे। वसीम जाफर जो है दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ही है। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के हैं ओपनर, जो कि रणजी ट्रॉफी में 11,000 रन में जो है 11,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में रेडियो कश्मीर इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वार, ध्यान दीजिएगा, रेडियो कश्मीर इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वार नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसके लेखक कौन है। ऑप्शन गिवन है डॉक्टर अशोक त्रिपाठी, डॉक्टर हबीब खान, डॉक्टर राजेश भट्ट, डॉक्टर नरेंद्र भार्गव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेश भट्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेश भट्ट, बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो है इन्होंने रेडियो कश्मीर इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वार नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसका राइटर है, ठीक है, राजेश भट्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और जो भी है इनके अंतरिक्ष राज्य में डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने 20 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में राजेश भट्ट द्वारा लिखित रेडियो इन टाइम्स ऑफ कश्मीर जो है पुस्तक का जो है विमोचन किए थे। और भी बता देना चाहता हूँ कि रेडियो कश्मीर के बारे में और भी कुछ बता देना चाहता हूँ कि रेडियो कश्मीर की स्थापना जो है दोस्तों 1 जुलाई 1948 को शेख अब्दुल्ला द्वारा कराई गई थी। ठीक है, उन्होंने रेडियो कश्मीर के श्रीनगर स्टेशन का उद्घाटन किया था और इन्हीं का जो है रेडियो कश्मीर इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वार का जो है राइटर है डॉक्टर राजेश भट्ट, याद कर लीजिए, बहुत है राइटेड ये न्यूज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ब्रज प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजित किया। ध्यान दीजिएगा, ब्रज प्रहार संयुक्त अभ्यास का बात हो रहा है। ऑप्शन गिवन है जापान, अमेरिका, चाइना एंड नेपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। ठीक है, भारत ने जो है ब्रज प्रहार नामक संयुक्त अभ्यास सैन्य अभ्यास जो है अमेरिका के साथ जो है अमेरिका सेना के साथ जो है ये आयोजित हुआ। ठीक है, ये जो है दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि 19 नवंबर 2018 को यह आरंभ हुआ था, यह युद्ध अभ्यास 2 दिसंबर 2018 तक चलेगा। आरंभ हुआ था 19 नवंबर 2018 को एंड युद्धाभ्यास 2 दिसंबर 2018 तक चलेगा, ध्यान दीजिएगा। और भी कुछ बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इस युद्ध में जो है अमेरिका सेना का प्रतिनिधित्व अमेरिकी प्रशांत कमांड के स्पेस फोर्सेज ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। ये जो है युद्ध अभ्यास दोस्तों 12 दिन तक चलेगा, जिसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ये जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन वर्ष 2010 से ही जो है ये स्टार्ट किया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में हाल ही में बस्तियों के निवासियों को भूमि अधिकार देने हेतु विधेयक पारित किया है? ऑप्शन की कौन है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एंड गुजरात एंड नेक्स्ट ऑप्शन हरियाणा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 19 नवंबर 2018 को उत्तर बंगाल में बस्तियों के निवासियों को भूमि अधिकार देने के लिए ये जो है एक विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2017 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन की वन है, नाना पाटेकर, सचिन तेंदुलकर, मनमोहन सिंह, राहुल द्रविड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनमोहन सिंह। ध्यान दीजिएगा, मनमोहन सिंह को जो है वर्ष 2017 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। ये जो है 19 नवंबर 2018 को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है, ठीक है, और इंदिरा गांधी को वर्ष 1984 में हत्या हुआ था। उनकी स्मृति में स्थापित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट जो कि 1986 में इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से जो है इनको ये जो है अवार्ड दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि 25 लाख रूपए नगद, एक ट्रॉफी, एक प्रस्ति पत्र दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार का जो अमाउंट है दोस्तों 25 लाख रुपए एंड एक ट्रॉफी और एक प्रस्ति पत्र दिया जाता है जो कि मनमोहन सिंह को मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में बीबीसी ने विश्व की 100 प्रभावशाली महिलाओं को सूची की, जिसमें किन तीन भारतीय महिलाओं को जगह मिली है? ऑप्शन की मैंने गीता माली, रेणु जैन एंड रहीवी सोमा। नेक्स्ट ऑप्शन है बी मीना गायन, बीजी पेनुकुटू एंड रहीवी सोमा। सी ऑप्शन है पूजा शर्मा, अंकिता अरोरा एंड विशाखा सिंह एंड डी ऑप्शन सना खान, मोनिका चौधरी, पिंकी ओला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मीना गायन, बीजी पेनुकुटू एंड रहीवी सोमा। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को जो बता देना चाहता हूँ कि हाल ही में बीबीसी ने 19 नवंबर 2018 को विश्व की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी किया था, जिसमें विश्व के अलग अलग देशों में 100 महिलाओं को स्थान दिया गया है। इस सूची में भारत की 3 महिलाएं हैं, वहीं पाकिस्तान की 1 महिला शामिल है जो कि एक हिंदू है। ठीक है, इस सूची में 15 से 60 वर्ष की 100 महिलाएं हैं, जिसमें 60 देशों से चयनित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, एट नंबर क्वेश्चन पे आ गए। विश्व शौचालय वर्ल्ड टॉयलेट डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड टॉयलेट डे, विश्व शौचालय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन गिवन है 19 नवंबर, 13 नवंबर, 15 नवंबर एंड 11 नवंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 नवंबर को जो है प्रत्येक वर्ष जो है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में विश्व शौचालय दिवस दोस्तों 19 नवंबर 2018 को मनाया गया। यह दिवस उन लोगों के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है दोस्तों जिसके पास शौचालय की सुविधा नहीं है, जबकि उसका मूलभूत अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में किस व्यक्ति की आत्मकथा 281 एंड बियॉन्ड लॉन्च हुई? बहुत इंपॉर्टेंट ये आत्मकथा है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन की मैंने वीरेंद्र सहवाग, सोनू निगम, अन्ना हजारे, बीवीएस लक्ष्मण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों बीवीएस लक्ष्मण का जो आत्मकथा है दोस्तों 281 एंड बियॉन्ड जो कि लॉन्च हुआ है। हाल ही में बता देना चाहता हूँ कि भारत के वरिष्ठ क्रिकेटर है बीवीएस लक्ष्मण, इनकी आत्मकथा 281 एंड बियॉन्ड को लॉन्च हुआ है। इस पुस्तक को वेस्टलैंड स्पोर्ट्स द्वारा प्रकाशित किया गया, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन प्रकाशित किया था, प्रकाशित करने वाला जो है दोस्तों वेस्टलैंड स्पोर्ट्स द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज ये 10th नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो को लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन।
कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के पूर्वकालिक निदेशक बनाए गए हैं? ऑप्शन गिवन है महावीर सिंह राठौर, संजय कुमार मिश्रा, अतुल परिहार, दिग्विजय देवगन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा को जो बता देना चाहता हूं कि हाल ही में आईआरएस अधिकारी संजय मिश्रा को जो है 17 नवंबर 2018 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के पूर्वकालिक प्रमुख के रूप में इनको नियुक्ति हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज ये करंट अफेयर्स का नवंबर जो है फोर्थ वीक का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं पूरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है किस चीनी कंपनी ने हाल ही में दुनिया भर में मुफ्त वाईफाई है तो 272 सैटेलाइट लॉन्च करने का घोषणा किया दोस्तों, उस कंपनी का नाम पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन गिवन है बैदू, लिंकश्योर, टेंसेंट, अलीबाबा। ऑप्शन गिवन है बैदू, लिंकश्योर, टेंसेंट, अलीबाबा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लिंकश्योर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिंकश्योर। बता देना चाहता हूं दोस्तों, हाल ही में जो है चाइना की एक प्राइवेट कंपनी द्वारा घोषणा किया है कि पूरे दुनिया में मुफ्त वाईफाई देने के लिए 272 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ठीक है दोस्तों, और यह सैटेलाइट अपनी क्षमता से विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति को इंटरनेट का लाभ जो है देने में सक्षम होगा। ठीक है दोस्तों, और उस कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, लिंकश्योर। आप लोग याद करना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन से राज्य में ईआरएसएस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ऑप्शन गिवन है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बता देना चाहता हूं कि हाल ही में जो है केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है 28 नवंबर 2018 को हिमाचल प्रदेश के मंडी में आपात प्रक्रिया सहायता प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, इसके तहत होगा क्या है दोस्तों, इसमें एक नंबर को जारी किया गया जिस जो नंबर है 112, इसके इससे होगा क्या, हिमाचल प्रदेश एक पहला राज्य है दोस्तों जो नंबर को जो है जारी किया है, जो कि अग्निशमन और पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग की जो है हेल्पलाइन नंबर में हेल्पलाइन के लिए की तरह काम करेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो लॉन्च करने वाला स्टेट है हिमाचल प्रदेश, याद कर लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त अभ्यास कोंकण 2018 शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त अभ्यास कोंकण 2018 की बात हो रहा है। ऑप्शन ये है ब्रिटेन, रूस, नेपाल, श्रीलंका। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ब्रिटेन। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ब्रिटेन होगा। बता देना चाहता हूँ हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ये जो है सकारात्मक माहौल सुनिश्चित करने के लिए नौसेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास जो है कोंकण 2018 का शुरुआत किया गया है। और ये हुआ कहाँ, हो कहा रहा है दोस्तों, ये हो रहा है गोवा में, हो रहा है 29 नवंबर 2018 से ये शुरू हुआ है, 29 नवंबर से ये शुरू हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है दोनों देशों के नौसैनिक एक दूसरे के साथ जो है वहां पे अभ्यास कर रहे हैं, ब्रिटेन और इंडिया के नौसैनिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संयुक्त अभ्यास से क्वेश्चन एग्जाम में दिखने को जरूर मिलते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसमें से किस फिल्म ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018 में स्वर्ण मयूर पुरस्कार जीता। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण मयूर की बात हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन जो है ब्लैंक पैथर, डोनबास, गेम नाइट, अपग्रेड। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, डोनबास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बता देना चाहता हूँ कि हाल ही भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018 में जो है 28 नवंबर को गोवा में संपन्न हुआ। दोस्तों ये फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ, इस कार्यक्रम में जो है दोस्तों फिल्म डोनबास ने जो है प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर का पुरस्कार जीता है।
स्वर्ण मयूर में दोस्तों इसमें दिया क्या जाता है ये भी आप लोग के लिए जानना जरूरी है। 4 मिलियन रूपये यानी 40 लाख रूपये जो है नगद पुरस्कार दिया जाता है, एक ट्रॉफी दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र जो है इसमें दिया जाता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत जानना महत्वपूर्ण है। स्वर्ण मयूर पुरस्कार में दिया जाता है आप लोग जो 40 लाख रूपये जो है कैश दिया जाता है नगद, एंड ट्रॉफी एंड प्रशस्ति पत्र दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, इतना आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये बता देना चाहता हूँ वो जो फिल्म का नाम है दोस्तों डोनवास फिल्म को ये अवार्ड मिला है स्वर्ण मयूर पुरस्कार 2018। आज ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन नियुक्त हुए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं। ऑप्शन की मैंने सुभाष मीणा, राजपाल सिंह, लक्ष्मण सिन्हा, अरविंद सक्सेना। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद सक्सेना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं दोस्तों अरविंद सक्सेना, ठीक है, उनकी नियुक्ति के संबंध 28 नवंबर 2018 को आधिकारिक बयान जारी किया है दोस्तों, उन्होंने अपने पद पर जो है कार्यभार जो है संभाले हैं। और इनका जो ड्यूरेशन रहेगा दोस्तों 7 अगस्त 2020 तक जो है इनका ड्यूरेशन है, ठीक है, आपको जानना बहुत जरूरी है। यूपीएससी के नए चेयरमैन अरविंद सक्सेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन पे, केंद्र सरकार ने हाल ही में सस्ते लोन और ब्याज दर में छूट हेतु एक पोर्टल शुरू किया है, जिस पोर्टल का नाम क्या है, इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन की मैंने धन पैसा संग्रह माया, करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों पैसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 26 नवंबर 2018 को छोटे कारोबारियों को सस्ता लोन देने के लिए जो है एक पोर्टल लॉन्च किया, उस पोर्टल का नाम है पैसा, ठीक है, पैसा नाम का पोर्टल जो है लॉन्च किया केंद्र सरकार ने। एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों ये पोर्टल के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में दिखने को जरूर आपको मिलेंगे, ये पोर्टल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जो है ये बैंक लोन पर ब्याज अनुदान के प्रोसेसिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है दोस्तों। पैसा एक पोर्टल है जो कि ये सस्ता लोन और ब्याज में छूट देगा जो नए नए कारोबारी बिजनेस खोलने वाले उन लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। और इस वेब पोर्टल को इलाहाबाद बैंक ने तैयार किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, हाल ही में रक्षा उद्योग में आविष्कार और नए उत्पादों के विकास को प्रोत्साहन करने हेतु एक मिशन लॉन्च किया, जिस मिशन का नाम क्या है। ऑप्शन की है रक्षा शक्ति, रक्षा ज्ञान शक्ति, रक्षा करो सुरक्षित रहो, रक्षा और ज्ञान। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों रक्षा ज्ञान शक्ति, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बता देना चाहता हूं कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन, ध्यान दीजिएगा अभी करंट में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन है, इन्होंने 27 नवंबर 2018 को मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति का शुभारंभ किया है दोस्तों। बता देना चाहता हूं इस मिशन का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है दोस्तों कि रक्षा उद्योगों में आविष्कार और नए उत्पाद के विकास को प्रोत्साहन करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज एट नंबर क्वेश्चन पे, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मोहम्मद हाफिज का निधन हो गया, वो क्या थे, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति थे दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन दिखने को जरूर मिलेगा, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन की बने गायक, अभिनेता, पूर्व मुख्यमंत्री, वैज्ञानिक। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों ये गायक थे, ठीक है, ये गायक थे, प्रसिद्ध व्यक्ति मोहम्मद अजीज का निधन हो गया, वो एक गायक थे। बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हाल ही में प्रसिद्ध संगीत जगत में जो है 80 से 90 के दशक में सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद हाफिज का 27 नवंबर 2018 को निधन हो गया, ठीक है दोस्तों। इनका सुपरहिट गाना जैसे है माय नेम इज लखन और लाल दुपट्टा मलमल का, ये बहुत चर्चित इनका फेमस गाना रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी क्लास के बच्चों को होमवर्क देने पर रोक लगा दी है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत चर्चित में रहा था ये न्यूज।
केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी क्लास के बच्चों को होमवर्क देने पर रोक लगा दी है? ऑप्शन गिवन है पहली क्लास, पहली और दूसरी क्लास, पहली दूसरी तीसरी क्लास, पहली से पांचवी क्लास तक। करेक्ट आंसर की बात करते हो दोस्तों, पहली और दूसरी क्लास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जो है ने ये पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को होमवर्क देने पर रोक लगा दी है स्कूल में। बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि मंत्रालय ने स्कूल बैग का भार कम करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, और इसमें क्या कंडीशन रखा गया है दोस्तों कि पहली क्लास से दूसरी क्लास बैग का वजन 1.5 यानी 1.5 किलोग्राम होना चाहिए, और तीसरी क्लास से चौथी क्लास के स्टूडेंट के बैग का वजन दोस्तों 2 किलोग्राम से 3 किलोग्राम तक होना चाहिए। उसी तरह से छठी से सातवीं का वजन जो है दोस्तों निर्धारित किया गया है 4 किलोग्राम तक होना चाहिए, एंड आठवीं से नौवीं क्या है दोस्तों 4.5 किलोग्राम, एंड दसवीं क्लास के बैग का वजन 5 किलो तक होना चाहिए जो है केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है केंद्रीय मानव संसाधन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आ जाइए 10th नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला एचसीएल टेक्नोलॉजी स्टेट डेटा सेंटर खुला है? ऑप्शन गिवन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर की बात करते हो दोस्तों उत्तराखंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, मुख्यमंत्री एंड गवर्नर से तो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ, ये जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है 26 नवंबर 2018 को देहरादून में जो है भारत के पहले हाइपर कंजर्व्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी युक्त स्टेट डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, एससीआई के जो है फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, याद कर लीजिएगा, हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी युक्त डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में ये जो एससीआई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जान लेते हैं, है क्या चीज दोस्तों, ये जो है दोस्तों किसी भी सेंटर की क्षमता 105 टीवी से बढ़ाकर 12,000 टीवी तक हो सकती है। ठीक है, इससे बिजली उपयोग कम करने और बिजली दक्षता बढ़ाने हेतु हरित परिकल्पना पर विकसित किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त किए गए हैं? ऑलरेडी पिछले जितने भी वीडियो में बनाता हूँ उसमें भी अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। ऋषभ कुमावत, ललित नागर, ब्रिजेश त्रिवेदी, सुनील अरोड़ा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, सुनील अरोड़ा साहब को जो है अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इनको नियुक्ति हुआ है। ठीक है, बता देना चाहता हूँ कि हाल ही में भारत के वरिष्ठ चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को 26 नवंबर 2018 को देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इनको नियुक्ति किया गया है। ठीक है दोस्तों, और भी बता देना चाहता हूँ, सुनील अरोड़ा जो है 2 दिसंबर यानी आज ही के दिन को वर्तमान मुख्य आयुक्त ओपी रावत के स्थान लेंगे। इससे पहले ओपी रावत थे मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी जगह पर जो है इनका आज ही यानी 2 दिसंबर को ही जो है आज ही के दिन इनका पदभार ग्रहण करेंगे ये। ठीक है दोस्तों, सुनील अरोड़ा के बारे में और कुछ बता देना चाहता हूँ, सुनील अरोड़ा जो है 1980 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वैश्विक सतत शहर 2025 कार्यक्रम हेतु किस भारतीय शहर को चुना है? ऑप्शन गिवन है सूरत, नोएडा, भोपाल, बंगलुरु। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। ठीक है, नोएडा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बता देना चाहता हूँ दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 25 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा का चयन किया है, जो कि वैश्विक सतत शहर 2025 पहल में हिस्सा लेने के लिए जो है ये किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन पे। किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में
सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ऑप्शन गिवन है अजय जयराम, श्रीकांत कितांबे, समीर वर्मा, पुलेला गोपीचंद। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा समीर वर्मा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समीर वर्मा। दोस्तों बता देना चाहता हूं कि हाल ही में भारत का स्टार सटलर समीर वर्मा, ये भारत का स्टार सटलर है समीर वर्मा, ने 25 नवंबर 2018 को चीन में लू ग्वांगचुगू को हराकर दूसरी बार सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन भाई, हाल ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व सीके जाफर शरीफ का निधन हो गया, वो क्या थे? ऑप्शन गिवन है पूर्व रेल मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, पूर्व वित्त मंत्री। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, पूर्व रेल मंत्री वो थे। ठीक है, पूर्व रेल मंत्री थे सीके जाफर, जो है पूर्व रेल मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीके जाफर ने दिल का दौरा पड़ने से 25 नवंबर 2018 को बंगलुरु के एक स्थानीय अस्पताल में जो इनका निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये बता देना चाहता हूं कि ये इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 3 नवंबर 1933 को चित्रदुर्ग के चलकोरे में हुआ था, और ये दोस्तों बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो है ये जो है सांसद रहे थे, और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वर्ष 1991 से वर्ष 1995 तक रेल मंत्री का कार्यभार संभाले थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज ये 15 क्वेश्चन, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे हर वर्ष मनाया जाता है 26 नवंबर, 22 नवंबर, 21 नवंबर, 20 नवंबर। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, 26 नवंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बता देना चाहता हूं कि हाल ही में 26 नवंबर 2018 को भारत में संविधान दिवस मनाया गया। भारत में हर वर्ष जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद किया जाता है, उन्होंने भारतीय संविधान के रूप में जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार किया है। बता दो दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा जो है, भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसके बाद 26 नवंबर 1950 को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली ने इसको जो है लागू किया था। इसी तरह से जो है 26 नवंबर को जो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, 26 नवंबर 1950 को जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ये 16 क्वेश्चन पे, किस टीम ने हाल ही में महिला टी20 विश्व कप 2018 का खिताब जीता? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन गिवन है भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बता देना चाहता हूं कि हाल ही में और एशले गार्डन के ऑलराउंडर प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 से चौथी बार महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीता है हरा करके। ठीक है दोस्तों, ये महिला टी20 विश्व कप 2018 का खिताब जो है इस बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता इंग्लैंड को हरा करके, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हाल ही में किस बॉक्सर ने महिला विश्व चैंपियनशिप 2018 का खिताब जीता है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, एमसी मैरी कॉम। बहुत ही चर्चित ये न्यूज में रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। ठीक है, बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हाल ही में भारतीय महिला बॉक्सर एमसी मैरी कॉम ने महिला विश्व चैंपियनशिप 2018 खिताब अपने नाम कर लिया है। मैरी कॉम ने 48 किलोग्राम भारत वर्ग में यूक्रेन की हन्ना ओखोटा को हराकर यह उपलब्धि हासिल किया है। यह भी आपको एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा कि किसको हरा करके, जो है यूक्रेन के प्लेयर थे दोस्तों हन्ना ओखोटा, याद कर लीजिएगा। फाइनल मैच में एमसी मैरी कॉम ने ओखोटा को 5-0 से एक तरफा मुकाबला में हरा करके देश का जो है गौरवान्वित किया है, यानी सबसे ऊंचा लक्ष्य किया है।
बता देना चाहता हूँ दोस्तों, एमसी मेरी कॉम से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये 2002 में इनके मेडल के बारे में कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ दोस्तों। ये जो है 2002 जो कि तुर्की में गोल्ड मेडल जीते थे, एंड 2005 रशिया में भी गोल्ड मेडल है, एंड 2006 दिल्ली में भी गोल्ड मेडल है, 2008 में भी चाइना में गोल्ड मेडल है दोस्तों, 2010 में बारबाडोस में गोल्ड मेडल है, एंड 2018 दिल्ली में जो हुआ इसमें जो है इस वर्ष भी जो है गोल्ड मेडल ही इन्होंने हासिल किए हैं, इसलिए बहुत ही गर्व की बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस वीडियो को लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व हिमांशु जोशी का निधन हो गया, वो क्या थे? ऑप्शन गिवन है लेखक, चित्रकार, वैज्ञानिक, पूर्व मुख्यमंत्री। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों तो ये जो है हिमांशु जोशी एक लेखक थे। ठीक है, बता देना चाहते हो यहाँ कि हिमांशु जोशी प्रसिद्ध कथाकार पत्रकार थे जो कि 23 नवंबर 2018 को निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, इनकी रचना बहुत ही लोकप्रिय रहा था दोस्तों, जैसे में अरण्य महासागर, छाया मत छूना, कागार की आग, समय साक्षी तुम्हारे लिए जैसे प्रमुख उपन्यास इनको बहुत हाईलाइटेड उपन्यास था। तो दोस्तों ये जो है हिमांशु जोशी लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों हम लोग नवंबर तक पूरा वीकली करंट अफेयर्स देख चुके हैं, अब आइए दिसंबर का पूरा करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। आइए दिसंबर से फर्स्ट वीक से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक जनवरी 2019 से निम्नलिखित में से किस लेन देन के लिए लोकपाल योजना को कार्यान्वित करेगा? ध्यान दीजिएगा, लोकपाल योजना को कार्यान्वित करेगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजिटल लेन देन। ठीक है दोस्तों, डिजिटल लेन भारतीय रिजर्व बैंक जनवरी 2019 से जो है लेन देन के लिए लोकपाल योजना को कार्यान्वित करेगा, ये जो है डिजिटल लेन देन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14वें स्थान पर रखा गया है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 के अनुसार भारत को जो है 14वें स्थान पर रखा गया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, दिसंबर का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने 18 अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ को देश से बाहर निकालने का आदेश दिया है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए पाकिस्तान, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान देश ने दोस्तों 18 अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ को देश से बाहर निकालने का आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के मध्य आयोजित किए जाने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेशली सैन्य अभ्यास से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भी लिंक उसका, या फिर इस चैनल के जो है वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हैंड इन हैंड। दोस्तों भारत और चीन के मध्य आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है हैंड इन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी भाषा के लिए चयनित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भीभीआई इसे लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्रा मुग्धल। ध्यान दीजिएगा, चित्रा मुग्धल को वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी भाषा के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार में अंग्रेजी भाषा के लिए चयनित किया गया है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनीस सलीम। अनीस सलीम को वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार में अंग्रेजी भाषा के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सेवंथ नंबर क्वेश्चन, नासा का महत्वाकांक्षी यान ओरिसिस रेक्स हाल ही में लगभग 2 वर्ष की यात्रा के बाद किस क्षुद्र ग्रह पर पहुंचा है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेनू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आठ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए,
किस राज्य की कंधामल हल्दी को शीघ्र ही विशिष्ट भौगोलिक पहचान के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चर्चित में रहा था ये न्यूज। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में दोस्तों कंधामल हल्दी को शीघ्र ही जो है भौगोलिक पहचान यानी जीआई टैग प्रदान करने की घोषणा किया है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए दिसंबर का। विश्व मृदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 पे आइए। भारत ने निम्न में से किस मध्य पूर्व देश के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो है दोस्तों मध्य पूर्व देश के साथ है मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप इस पूरा सेशन को एंजॉय किए होंगे, ध्यान से पढ़े होंगे। इस चैनल पर प्रत्येक दिन 2 वीडियो अपलोड होता है दोस्तों, मॉर्निंग और इवनिंग। डेली वीडियो को जरूर देखा कीजिए, जिससे आपको एग्जाम में किसी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो जितना जल्द हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लेने के बाद घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि मैं जितने वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को एक लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि हर किसी को फायदा हो सके, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, एक लाइक तो बनता है दोस्त। और एक बात और, मैं जितना वीडियो इस चैनल पे अपलोड करता हूं उसका पीडीएफ चाहे तो आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है, मैं 2 से 3 दिन में टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।